आज हमें इकोनॉमिक्स करना था. लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स विच आई ऑलवेज बिगिन विद डिमांड. नाउ एज यू नो बच्चे, डिमांड चैप्टर जो है शुरू में जब अपन पढ़ते हैं तो अपन बिल्कुल बेसिक से उठा के पढ़ते हैं, बट अब हम आज एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिविजन कर रहे हैं तो जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं मैं खास उन पे एम्फोसिस करके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आई वुड बी एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू. तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो क्या दिल की इच्छाओं को सिर्फ डिमांड कह सकते हैं? आई वॉन्ट लॉट ऑफ आंसर्स टूडे. जो लोग घर पर हैं वो लोग मुझे चैट पे जवाब देंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज़ गो एंड टेल द बडीज. मेनी चिल्ड्रन हैव नॉट जॉइन द क्लास, दे शुड जॉइन द क्लास. वी शुड नेवर थिंक टॉपिक ईजी है या टफ. क्वेश्चन सभी हमसे बनने चाहिए. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन आंसर मोड पे जवाब दीजिए. दिल की इच्छाओं को डिमांड कहते हैं या डिज़ायर? उस वॉन्ट या डिज़ायर में परचेजिंग पावर ऐड हो जाए तो वो क्या होता है? तो डिमांड में और वॉन्ट में ब्रॉडर होराइजन किसका है? डिमांड का, क्योंकि उसमें वॉन्ट के साथ साथ क्या जुड़ा है? जब हम परचेजिंग पावर, मैं आपसे सारे क्वेश्चन वो पूछ रही हूँ जिससे आपको एमसीक्यू में मदद मिलेगी एनालिसिस करने में. मैं आपको रूटीन तरीके से डिमांड नहीं पढ़ा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ. ऑलरेडी सब पढ़े पढ़ाए बैठे हैं, 14 पॉइंट पूरी क्लास को याद हैं, समरी सब बना चुके हैं और डिमांड जितनी डीप में आप लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली तो आपको सिर्फ हायर लेवल क्वेश्चन सुनने की ज़रूरत है. तो बिल्कुल सीधे सुट बैठिए सब, पूरी क्लास लिखने को कुछ है नहीं, सब है आपके पास. डिमांड और विलिंग वांट, क्या वो सेम है? किसमें परचेजिंग पावर भी जुड़ी हुई है? डिमांड में से परचेजिंग पावर हटा दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ डिज़ायर या वांट. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ अ वांट बैक्ड अप विथ परचेजिंग पावर इज डिमांड? कैन आई से कि डिमांड जब भी हम मेंशन करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस कभी मेंशन नहीं होती? बोलो हाँ या ना. यस, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करे बिना बोल देना, ऐसा नहीं है. डिमांड हमेशा प्राइस से लिंक होती है, क्योंकि डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो एक तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए कितने प्राइस पर ये बात हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जेब में जो पैसे हैं वो मैं खर्च करने के लिए इच्छुक हूँ भी कि नहीं. सो मेरे पास विलिंगनेस होनी चाहिए टू बाय. सारी चीज़ें मिला के डिमांड होती है. तो जब कोई कस्टमर कोई सामान खरीदने के बारे में सोचता है उसको प्राइस का पता है, उसको पता है किस समय की बात हो रही है, क्योंकि समय के साथ भी डिमांड चेंज होती है. गर्मियों के सीज़न में छाते स्वेटर की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वही स्वेटर दिसंबर के कड़क ठंड में एकदम हाई डिमांड हो जाता है. इसलिए डिमांड चार चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहती है. एक, कस्टमर के दिल में इच्छा होना चाहिए. दूसरी, कस्टमर के जेब में पैसे होना चाहिए. तीसरे, कस्टमर के दिमाग में प्राइस का ज्ञान होना चाहिए. और चौथा, किस टाइम की बात हो रही है ये भी उसको पता होना चाहिए. इसलिए डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इट इज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम ऐसे बोलेंगे 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कितनी डिमांड थी. हम ऐसा जनरली नहीं बोलते हैं अभी 1 बजे कितनी डिमांड है. इट्स नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स ड्यूरिंग जनरली अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो ये रुपीज में नहीं, मात्रा, क्वांटिटी, कितनी टेबल, कितनी कुर्सी, कितनी किताबें, क्वांटिटी में मेंशन होती है. जब हम डिमांड की बात करते हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन मेन आते हैं, क्या वांट और डिमांड सेम है? नो. किस में विलिंगनेस के साथ परचेजिंग पावर बैक्ड है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट? ओके. जब हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो किसमें एक एरिया के सारे कस्टमर कवर्ड है, किसमें एक व्यक्ति कवर्ड है? तो इंडिविजुअल और मार्केट में जनरली बड़ा कौन सा होगा? बट एक एरिया में एक ही कस्टमर होगा तो दोनों सेम होंगे कि नहीं? नाउ जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड, तो हर आदमी जब सोचता है कि मुझे सामान खरीदना है कि नहीं, तो कुछ मुख्य मुद्दे होते हैं जो उसके दिमाग पर असर डालते हैं.
तो पांच फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल की डिमांड, जिसमें पहले सबसे नंबर वन पे है प्राइस। प्राइस बढ़ेगी डिमांड, प्राइस कम होगी डिमांड, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। प्राइस बढ़ा दो तो कस्टमर नहीं खरीदता है, प्राइस कम कर दो तो कस्टमर खरीद लेता है। हम बेसिक्स में नहीं जा रहे हैं, हम अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, सो आई एम गोइंग फास्ट। प्लीज टेल मी, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन में डिमांड का प्राइस से कौन सा रिश्ता है? इनवर्स का मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड। वेरी गुड। जब हम इनकम की बात करते हैं तो दो तरह के गुड्स पे अलग अलग असर होता है। वो कौन से गुड्स हैं जिसमें आदमी की इनकम बढ़ती तो उसे और छोड़ देता है? वो कौन से गुड्स हैं कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है? तो डायरेक्ट रिलेशन किसमें है? इनवर्स रिलेशन। नाउ इन्फीरियर गुड्स में क्या मैं ये कह सकती हूँ कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट है? अगर आपने ये बात नहीं लिखी हो तो पेन से लिखिए, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इन्फीरियर गुड्स में, जिसका मतलब है कि इनकम बढ़ने से उनको और त्याग दिया जाता है। इनकम के बढ़ने से उसको त्याग दिया जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं इनकम और डिमांड, ठीक है? इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर की डिमांड कम होती है। प्लीज टेल मी, इन्फीरियर गुड्स उनकी प्राइस से डिसाइड होते हैं या किसी और बात से? बताओ, प्राइस से डिसाइड होते हैं क्या? अगर एक है मारुति और एक है नैनो, एक है मारुति एक है नैनो, आपका सीए कंप्लीट हो गया, सडनली 12 लाख का पैकेज लग गया पहला, तो आप कौन सी कार खरीदेंगे और किसको छोड़ देंगे? तो यहाँ नैनो भी इन्फीरियर है। तो चीज के सस्ते होने से ही तय नहीं होता कि वो इन्फीरियर है, इनकम के बढ़ने पर जिसको छोड़ दिया जाए वो इन्फीरियर है। मेन बेंचमार्क क्या है? इनकम के बढ़ने से जिसको त्याग दिया जाए वो हर चीज इन्फीरियर है, फिर वो सस्ती हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात और है कि जनरली इन्फीरियर गुड सस्ते भी होते हैं, पर जरूरी नहीं है हो। अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर टीवी में आप कौन सी चुनेंगे, किसको छोड़ेंगे? तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज इन्फीरियर, भले ही वो 10,000 की होगी बट इट इज इन्फीरियर, क्योंकि इनकम बढ़ने पर उसको छोड़ दिया। तो दैट इज द बेंचमार्क। देन उसके बाद आपने पढ़ा था थर्ड रिलेटेड कमोडिटीज, क्यों लिख लीजिए, क्वेश्चन आना तय है। जो चीज़ें एक दूसरे पर असर डालती हैं उनको हम कहते हैं रिलेटेड कमोडिटी। दो रिलेटेड कमोडिटी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब आप कार खरीदने जाते हैं तो बिना पेट्रोल के कार चलती नहीं है, तो दो चीज़ें जो एक दूसरे को कंप्लीट करें, पूरक वस्तुएं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सीधा हिसाब है, पेट्रोल महंगा होगा तो लोग सोचेंगे अब कार कैसे चलाएंगे, चलो कार ही मत खरीदो। तो एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड, तो दोनों में विपरीत और इनवर्स रिलेशन चलता है, क्योंकि दोनों को साथ में यूज करना है। एक महंगा हो गया तो दूसरा कैसे यूज करें, तो दूसरा अपने आप छूट जाता है। सो दैट इज व्हाई इट हैज इनवर्स रिलेशन। तो कार एंड पेट्रोल इनवर्स रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेन एंड पेपर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जूते और मोजे कॉम्प्लीमेंट्री गुड, चाय और शक्कर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तुम और मैं कॉम्प्लीमेंट्री, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं होगा और तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं होगा। तो इसलिए जो एक साथ ही दोनों इस्तेमाल होते हैं जिंदगी में उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे के विकल्प। मुझको कुछ गर्म पीना था और मुझे चाय पीनी थी, मैं कैंटीन में पहुंची, उसने कहा चाय खत्म हो गई, मैंने कहा कॉफी दे दे। तो जब आप इंटरचेंजेबली गुड्स को यूज कर लेते हो तो दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकें दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सीधी बात है, मैं अगर एक कैंटीन में गई, चाय वहाँ रखी थी, कॉफ़ी वहाँ रखी थी, चाय महंगी हो गई और मेरे पास 5 का ही सिक्का था, मेरे को लगा 5 की चाय होगी, तो मैं ऑटोमेटिकली किस पे स्विच करूँगी? क्यों, पानी पी लेती ना, मुझे कुछ गर्म चाहिए था। तो जो क्वालिटी में चाय में ढूंढ रही थी वैसे सिमिलर क्वालिटी कॉफी में थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो जहां चाय महंगी हुई मैंने चाय को त्यागा और मैंने कॉफी को अपनाया, तो एक की प्राइस बढ़ने के कारण दूसरे की डिमांड बढ़ गई। दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट।
एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने पहले वाले कमोडिटी को त्याग दिया। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री का ग्राफ, एंड क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन तो अपवर्ड राइजिंग बनेगा सब्स्टिट्यूट्स का ग्राफ। तो मुझे फटाफट बताइए, टी एन कॉफी, टी एन शुगर, पेन एंड बॉल पेन एंड इंक पेन, इंक पेन बॉल पेन, पेन एंड इंक, बैट एंड बॉल, हॉकी एंड बैट, ये इस स्टेज पर आके भी तुम्हारे अंदर से सही नहीं निकल रहा है, क्या कर रहा है? डूब मरो चुल्लू हर पानी में। ढंग से बोलो, किसमें डायरेक्ट रिलेशन, किसमें इनवर्स रिलेशन, किसका ग्राफ ऊपर, किसका ग्राफ नीचे, क्यों नीचे, सब्स्टिट्यूट का क्यों ऊपर, एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड बढ़ी, ये तो कौन सबको सबको। अबे सालो कमीनो, एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड बढ़ी, एक की प्राइस घटी दूसरे की डिमांड घटी। एक की प्राइस घटी दूसरे की डिमांड घटी, एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड बढ़ी, दोनों एक दिशा में चले, दोनों उल्टे चले, किसका ग्राफ नीचे, किसका ग्राफ ऊपर, टी एन कॉफी, कार एंड पेट्रोल, इंडिका मारुति, छोले भटूरे, कचौड़ी समोसे, फुल्की और पानी, तुम और मैं, पूरा याद रहेगा। अगर किसी ने गलत करा तो सेंटर के बाहर निकलेगा, वहीं गाड़ दूंगी उसको, वहीं उसका ताबूत बना दूंगी कि अगली बार अटेम्प्ट में आके बच्चे देखेंगे यही था वो जिसको मैम ने गाड़ा था। अगर तुमने इकोनॉमिक्स में 80-90 से कम लाए तो तुम्हारी क्या अभी आऊंगी उस पर लास्ट में जब जगाना होगा सबको। तो पूरी क्लास को कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर रखिएगा, वहां पे क्यू मार्क कर लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। फ्यूचर प्राइस नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो मुझे बताइए ये पांच पॉइंट्स आपको पूरे क्लियर हैं बेटा? ओके, इसमें से इनकम पे, प्राइस और रिलेटेड कमोडिटी, तीन पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। जब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसमें से एक आध चीज ही पूछूंगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और किसी एरिया में अगर बाढ़ आ गई और लोग ही निपट गए तो डिमांड भी कम हो गई, तो ये आपको पता है। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी। तो बस इतना आपका दिमाग अगर चल रहा है तो दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद अब मुझे बताइएगा लॉ ऑफ डिमांड, द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड, फिफ्थ पॉइंट इन आवर नोट्स। इट हैज इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तो हम कहते हैं, शांत रहिएगा, ceteris paribus, other things remaining constant, law of demand speaks the inverse relation between price and demand. Price rises, demand falls. Price falls, demand rises. अब जब हम ये बात कहते हैं तो हम तीन assumption लेते हैं। The three assumptions of the law of demand are, number one, ceteris paribus, जिसका मतलब है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो ये जो इतने सारे अपन फीचर पढ़ते हैं उसमें सिर्फ प्राइस जो है वह चेंज हो रहा है और बाकी सारे फैक्टर क्या हैं, कॉन्स्टेंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो आदमी की डिमांड नॉर्मली कम होगी, बट उसी महीने अगर उसकी सीए की जॉब लग गई और कहाँ घर वाले उसको देते थे 1,000 रुपये महीने का जेब खर्च, और अचानक उसके उस 1,000 में 2 जीरो टपक लग गए, वो हो गया 1,00,000 रुपये महीना। वाह, चेहरे की लाली तो देखो। सो जब वो 1,000 में 2 जीरो लग गए और 1,00,000 रुपये महीना आदमी कमा रहा है, तो हो सकता है कि 10 रुपये प्राइस किसी चीज़ की बढ़ भी गई हो तो वो उसको इग्नोर कर देगा और फिर भी खरीद लेगा।
तो लॉ ऑफ डिमांड तो ब्रेक हो जाता, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए अगर बार बार इनकम टेस्ट एंड एवरीथिंग चेंज्ड बदलते रहते तो प्राइस एक्चुअली बेअसर हो जाती और लॉ ऑफ डिमांड उतना परफेक्ट नहीं चलता। तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल सर ने अज्यूम किया कि बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानते हैं, ना इनकम बदल रही, ना टेस्ट बदल रहा, ना सीजन बदल रहा, कछु नहीं हो रहा, सब वैसा का वैसा ही है। उस स्थिति में अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, क्योंकि बाकी वेरिएबल्स को अगर आप चेंज करोगे ना तो हो सकता है जो लॉ ऑफ डिमांड हो वो पूरा सही ना बैठे। दैट्स वाई हमने क्या अज्यूम कर लिया, अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग। तो ये सेटेरिस पैरिबिस पहला अजम्पशन। अल्फ्रेड मार्शल सर देखो बेचारा बुढ़ापा आ गया इनका, बाल देखो बांधने का टाइम ही नहीं मिला। तो इनका नाम याद रखना कि इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड बनाया है और अर्नस्ट एंजल का नाम इनकम इलास्टिसिटी से जुड़ा है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अजम्पशन कितने हैं। पहला है सेटेरिस पैरिबिस, अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। दूसरा है मैन इज रैशनल, रैशनल माने लॉजिकल, तर्कसंगत, समझदार आदमी जब प्राइस कम होता देखता है तो ज़्यादा खरीदता है और महंगाई देखते हुए खुद पीछे हट जाता है, ऐसा समझदार आदमी। रैशनल आदमी वो है जो कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अरेंज हो पाए, इसी सिद्धांत पे चलता है। ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड्स, क्योंकि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं ना गिफिन गुड, ना वेबलिन गुड, ना स्पेकुलेटिव गुड, इन सब पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं करता। तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तीन अजम्पशन पे बेस्ड है। एक, सारे अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है। दूसरा, आदमी अकलमंद है। और तीसरा, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है। ये तीन अजम्पशन है उसके। और बाकी आपको इनवर्स रिलेशनशिप तो पता ही है, इनवर्स रिलेशन के कारण ही डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अब आपको इतना तो पता ही है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन डिमांड कर्व। प्लीज टेल मी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व में विच इज फ्लैटर, व्हाई? देखिए, इंडिविजुअल आदमी, एक आदमी के ऊपर प्राइस जो बढ़ती है तो उसका जो असर होता है वो सीमित होता है, बट पूरे मार्केट में भीड़ चाल चलती है। तो जरा प्राइस ऊपर नीचे होती है ना तो डिमांड पे हाई असर होता है, इतने लोग एक जैसा बिहेव करते हैं। तो दैट इज़ वाई देर इज़ हाई इलास्टिसिटी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ फ्लैटर डिमांड कर्व। तो ये आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि इंडिविजुअल और मार्केट में मार्केट डिमांड कर्व इज़ फ्लैटर बिकॉज इट इज़ हायर इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ भीड़ चाल, ज़्यादा लोग एक जैसा बिहेव करते हैं ना, दैट्स वाई। ओके, बाकी आपको ये तो एग्जाम में कुछ आना नहीं है, प्लॉटिंग एंड यू ऑल नो दिस, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, यू ऑल नो दिस। डिमांड फंक्शन नॉट ही, इट शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यस, प्लीज कम टू दिस पॉइंट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जैसे कि आप हैं एक्सेप्शन, यू आर ओनली वन पीस, सिंगल पीस, है ना, अपने माँ बाप की आंखों के तारे, हाँ या ना? अच्छा, दो है तारे। ओके, शांत। तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ मतलब है वो स्थितियाँ जिसमें लॉ ऑफ डिमांड का पालन नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, बट इन स्थितियों में कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राइस के बढ़ने के बावजूद किसी कारणवश डिमांड कम नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ, जैसे एमरजेंसीज। नाउ सपोजिंग आपका कोई मित्र का एक्सीडेंट हो जाए, उसको ब्लड ग्रुप चाहिए ए पॉजिटिव, और आप ब्लड बैंक पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, कल तक तो हम एक यूनिट 1,000 रुपये का दे रहे थे एक यूनिट ब्लड, और अब हमने उसको कर दिया 10,000 रुपये का। आप लगे सोचने, अरे मैम ने पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ जाती तो डिमांड कम कर लेते हैं, यहाँ तो प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम कर लो, नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, मरने दो, अगले जन्म में मिलेंगे। ऐसा करोगे क्या बताओ? तुम अपना सब कुछ लुटा दोगे कि नहीं? अगर वो दिल से तुम्हें प्यारा है तो, जान से दुलारा है तो, बोलो हाँ या ना। उसको बचाने के लिए क्या तुम पैसों का मुंह देखोगे? तो इमरजेंसी में आदमी प्राइस को क्या करता है? सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर इमरजेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स,
इंजेक्शंस इतनी इमरजेंसी थी कि आदमी कैसे तो भी करके अपने घर वालों को बचाने के लिए महंगाई नहीं देख रहा था. इंजेक्शन 5,000 का 20,000 में मिल रहा है तो भी खरीद रहा था. तो लॉ ऑफ डिमांड गेट्स ब्रोकन जब वस्तु इतनी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो. तो वो आपको एग्जाम में समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है. वेबलन गुड्स, सर टीबी वेबलन फुल्प या कड़म. सॉरी आप आसमान में होंगे, आपको बुरा लगेगा शक्ल देख के नहीं. सो सर टी शांति सर टीबी वेबलन ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कहा कि कुछ चीजें होती हैं. इन इस फेमस डॉक्ट्रीन ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन इन्होंने कहा कि कुछ वस्तुएं उपयोग के लिए नहीं दिखावे के लिए खरीदी जाती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, मोबाइल्स, एंटीक पीसेस ऑफ ज्वेलरी या एंटीक स्कल्पचर्स, डायमंड. ये सब चीज़ें लोग अधिकतर दिखावे के लिए खरीदते हैं. तो सपोजिंग कोई 1 करोड़ की मर्सिडीज़ खरीद रहा है, वही काम उसका मारुति से भी चल रहा था, बट उसने वो गाड़ी अपने स्टेटस को दर्शाने के लिए खरीदी है. तो वो आदमी के सामने वो गाड़ी अगर 1.5 करोड़ की हो जाए तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा. सोचेगा अब तो 1.5 करोड़ शो ऑफ कर सकता हूँ. तो वो डिमांड कम करने की बजाय और कर लेगा. लोग प्राइस बढ़ी फिर भी डिमांड बढ़ गई और डायरेक्ट रिलेशन हो गया, जबकि वैसे रिलेशन क्या होता था, इनवर्स. और डायरेक्ट रिलेशन होते से इनका डिमांड कर कहाँ चला गया, ऊपर. एग्जाम का क्वेश्चन, सारे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का, डिमांड कर ऊपर जाता है बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन. प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड कम होने की जगह बढ़ जाती है. ओके तो ये एक्सेप्शन है क्योंकि नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, बट इस केस में ऐसा होता है. सिमिलरली देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट, गिफिन गुड्स. सर रॉबर्ट गिफिन 19th century के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन ने ऑब्जर्व किया कि ब्रिटिश की फैमिलीज जो हैं अधिकतर 3 गुड्स मेजरली यूज करती हैं, ब्रेड, वाइन एंड मीट. इंग्लैंड में इतनी सर्दी पड़ती है 10 महीने 12 में से 10 महीने कि वहाँ सर्दी से लोग मर जाते हैं. तो बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए दे हैव टू कंज्यूम लिकर, इसलिए उनके कल्चर में लिकर इतना हर चीज़ में यूज़ होता है. तो एक परिवार में 3 लोग थे, मतलब एक परिवार में 3 वस्तुएं इस्तेमाल हो रही थी. 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि ब्रेड भी महंगी हो गई, मीट भी महंगा हो गया, वाइन भी महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, तो क्या आदमी खाना छोड़ देगा? अभी भी तुलनात्मक तरीके से देखो तो घर में सबसे सस्ता फिर भी क्या है, तो ब्रेड 10 रुपए की जगह भले ही 20 की हो जाए वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा मैनेजेबल और अफोर्डेबल है, इसलिए हम ब्रेड को ही खरीदते जाते हैं. तो प्राइस बढ़ने के बावजूद ब्रेड की डिमांड बढ़ गई. तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो ये गिफिन गुड्स हैं. गिफिन गुड्स आर अ स्पेशल वराइटी ऑफ इन्फीरियर गुड्स on which the consumer spends a large part of his income. क्योंकि वो उस पर एक लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है और बाकी चीज़ें बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल हो गई हैं, तो वो सोचता है चलो भले ही ये महंगा हो गया है कुछ तो खाना है, तो वो खाता चलता है. तो प्राइस बढ़ती है तो भी डिमांड बढ़ती जाती है और इसकी वजह से डायरेक्ट रिलेशन स्थापित होता है. ग्राफ गोज अप पॉजिटिव रिलेशन की वजह से. बोलो हाँ या ना. इसके बाद जो और काम की चीजें मेन पढ़ते हैं. हाँ जी, डायरेक्ट रिलेशन मान रहे हैं तो प्राइस कम डिमांड कम, क्योंकि तब वो कम में खरीद लेता है तो उतने में पेट भरने के लिए मीट और बाकी चीजों पे चला जाता है. तो तुम तो डायरेक्ट रिलेशन पकड़ के चलो बस. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगी, बात खत्म. नाउ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. एक था वेबलन इफेक्ट. वेबलिन इफेक्ट इज कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, दिस इज कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज. लोग 200 रुपए की चीज में भी दिखावा कर लेते हैं या कंपेरिजन कर लेते हैं. यहां तुलना की बात है कि मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे. तो अगर सस्ती सी किसी चीज में भी लोग कंपेरिजन कर लेते हैं कि इफ यू कैन बाय आई कैन बाय टू, If you can buy, I can buy too. तो उस दिखावे के चक्कर में अपन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट इसको कहते हैं. मिडिल क्लास के लोग पूरी जिंदगी इसी में मरे फंसे रहते हैं. उसके घर में AC लगा, मेरे में भी होना चाहिए.
उसके घर में वो कुछ ऐसा हुआ तो मेरे घर में भी होना चाहिए। अरे भाई तू अपनी देख ले पहले। मगर नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आदमी प्राइस को साइड करता है क्योंकि उसके दिमाग में जुनून होता है, इफ यू कैन बाय आई कैन ऑल्सो बाय। तो वो जो वो उस एंगल के कारण वो उसमें चला जाता है, बस लो प्राइस। अब ऐसा है कि ये जो सस्ती चीज़ें हैं बेटा, जैसे कछुआ छाप, अगरबत्ती, मोमबत्ती ये क्या बोलते हैं उसको, साबुन और वो माचिस और वो सुई और वो धागा और वो नमक, ये चीज़ें जो होती हैं दे आर सो सस्ती कि अगर वो एक रुपए की जगह दो रुपए की भी हो जाएं तो हमारी सेहत पे कौन हुआ असर पड़ रहा है, हम खरीदते जाते हैं, बोलो आए आना। अब पता चला वो कछुआ छाप की कॉइल 10 रुपए की जगह 12 की हो गई तो हमने कहा ये कछुए ये मच्छर काट ले, अब तू भी क्या याद करेगा क्यों क्योंकि वो कछुआ छाप कितने की हो गई, 10 की जगह 12, तो 2 रुपए बढ़ गए, तो हमने मच्छर का ले तू विल वी डू दैट नो। तो छोटी जो चीज़ें सस्ती होती हैं वो महंगी भी हो जाएं तो हमारी सेहत पर इतना कोई मेजर असर नहीं पड़ता, तो वी इग्नोर द प्राइस। इसलिए प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड हमारी उतनी रहेगी। अरे चुप तो रहा यार तुम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द लॉ ऑफ चेंजेस इन डिमांड, 11 पॉइंट पे आ जाओ सब। जब लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिमांड जो है उसका जो प्राइस के साथ रिलेशनशिप है वो एकदम स्टेबल नहीं है कि इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड तय हो गई और अब वो 4, 5, 8, 6 महीने सेम रहेगी, दे कीप चेंजिंग बोथ ऑफ देम। तो हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड में परिवर्तन कैसे होते हैं। डिमांड के परिवर्तन बेटा 2 चीज़ों से होते हैं, एक प्राइस चेंज हो जाए, और यदि प्राइस को हम 2 मिनट के लिए साइड में रखें, स्टेबल करें, तो अन्य फैक्टर्स जो 10 में से 9 बचे वो चेंज हो जाएं, तो उसको हम चेंजेस कहते हैं। कैसे? यदि प्राइस में चेंज आए तो उसके हमने नाम रख दिए मांग का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और मांग में कमी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ जाए तो वी कॉल इट डिमांड में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, एंड डिमांड में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। जब हम ये पढ़ते हैं तो हम प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब हम ये पढ़ते हैं तो हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइस के ऊपर नीचे होने से जो चेंजेस होते हैं उनको नाम दे दिया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब आपने एक्सपेंशन का ये ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, फटाफट अपने नोट्स में देखिए। प्राइस 2 रुपए से 1 रुपए हो गई, तो प्राइस कम होते से ही आदमी को लगा अरे मेरी तो बचत हो गई, मैं थोड़ा और खरीद लूँ, तो उसने ज़्यादा खरीद लिया। तो प्राइस के कम होते से ही जब डिमांड बढ़ती है तो ग्राफ पे क्या होता है कि अगर ओरिजिनल प्राइस 2 रुपए थी और 2 रुपए पर आदमी 10 गुड्स खरीद रहा था, जैसे ही प्राइस आधी हुई और उसके हाथ में कुछ खुले पैसे बचे तो उसने सोचा क्यों ना और खरीद लूँ, और वो ज़्यादा गुड्स खरीदने लगा। तो हम इस ए पॉइंट से नीचे बी पॉइंट पर आ गए तो सेम कर्व पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। व्हेन बिकॉज ऑफ द प्राइस का कम होना उस वजह से डिमांड बढ़ी, अदर फैक्टर्स तो कॉन्स्टेंट पड़े हैं, एंड एक ही कर्व पे पॉइंट नीचे आ गया क्योंकि ऊपर का पॉइंट कम क्वांटिटी शो कर रहा है, नीचे का पॉइंट ज़्यादा क्वांटिटी शो कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। वी कॉल इट राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें एक शब्द घुसा देते हैं क्वांटिटी, तो राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांडेड शब्द जो घुस जाता है तो हम समझ जाते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइस। तो राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ अ फॉल इन प्राइस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ओके, तो ये जो एक्सपेंशन है इसके अलग अलग नाम है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, इट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम कर्व, इट इज़ सिंपली ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम कर्व। एंड आपको ये समझना होगा कि इसमें क्वांटिटी शब्द से आप इसको पहचानोगे।
इसकी तुलना में कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि कोई गुब्बारा हो और आप उसमें प्रिक कर दें तो उसका छोटा हो जाएगा ना, हवा निकल जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ मतलब है कम होना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गाड़ी के टायर में कील घुस गई और पंचर हो गया, वो हवा निकल गई, ऐसे ही यहाँ पे डिमांड कम हो गई। तो डिमांड जो कम हो गई वो क्यों हो गई? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो जब प्राइस के बढ़ने के कारण लोग सामान खरीदना कम कर दें, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ इसी कर्व में आप देखिए, पहले आप कितने रुपए पे थे? एक रुपए पे। कितना सामान खरीद रहे थे? 10। अचानक से महंगाई बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ी नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो उतने ही पैसों में घर चलाना है, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आप कम ही यूनिट खरीद पाओगे। तो प्राइस के बढ़ने के कारण जब आप कम यूनिट खरीद पा रहे हो तो आप ए से पीछे बी पे चले गए हो, बैकवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप कहोगे कि मैम हम इतनी देर से सुन रहे हैं तो इसमें अलग क्या पड़ा? कुछ अलग नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड को ये पोर्ट्रे कर रहा है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, सिर्फ इसके नाम, इसका ग्राफ, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। तो अब आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आई एम आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस स्क्रीन पे। ये है फर्स्ट कर्व, ये है सेकंड कर्व। बिटवीन ग्राफ वन एंड टू विच इज कॉन्ट्रैक्शन, विच इज एक्सपेंशन, विच इज बैकवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम कर्व, वन और टू, विच इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम कर्व, विच इज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज इंक्रीज इन डिमांड, नन। क्वांटिटी शब्द नहीं बोला ना मैंने, बी केयरफुल। विच इज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, चेंज इन डिमांड, नन। विच इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बोथ। Which is left shift? None. Which is right shift? None. In which other factors are constant? Both. In which price is falling? धीरे बोला तुमने, धीरे बोला तुमने, सोचने में ज़्यादा समय लगाया, और अंदर तर होना चाहिए तुम्हारे कि प्राइस कम होने से तो डिमांड बढ़ेगी एंड एक्सपेंशन ही होगा ना, इतनी देर क्यों सोचा? उस पर मुझे दिक्कत है, मुझे ईको में दिक्कत नहीं है तुम्हारे ये धीरे रवैये से, ये दिक्कत सारी मैथ्स की है। मैथ्स के पेपर में अगर तुम धीरे चले तुम्हारे काम लग जाएंगे, ईको में टाइम कम नहीं पड़ता। ईको में आपको तो ऐसा लगेगा 60 क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में से आ गए, उठ उठ के आंसर ही याद है, दिमाग की नसी नहीं हिली, परंतु मैथ्स में पूरे हिल जाओगे ऊपर से नीचे तक। वहाँ अगर इतने स्लो चलोगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए थोड़ा और तेज चलो यार, रचना मैम के शेर बच्चे हो तुम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे विच इज कॉल्ड बैकवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, किसमें इनकम विल राइज, नन, नन, अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, किसमें पॉपुलेशन विल राइज, किसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस विल राइज, किसमें प्राइस विल फॉल। मुझे दिक्कत है दिमाग, मेरे को मेरे एप्टियंस का जितना शार्प चाहिए, कुछ लोग उतना फास्ट नहीं बोल रहे हैं। आई वॉन्ट यू फास्ट एंड स्मार्ट, किसी से नीचे नहीं पीछे नहीं, नंबर वन वो इंडिया का, इंडिया में भोपाल का नंबर कहीं भी हो पर भोपालियों का नंबर है वन। आया ना भैया? तो भैया जल्दी बोलो ना, क्या धीरे धीरे बोल रहे हो शाहनवाज? हाँ सो दोनों में से किसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, किसको एक्सपेंशन कहते हैं? विच इज बैकवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, विच इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, विच इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज चेंज इन डिमांड, विच इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कर लोगे ठीक है। अब बात आ रही है इंक्रीज इन डिमांड।
जब प्राइस के कांस्टेंट होने के बावजूद अब हम प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं और अदर फैक्टर्स में हम अब चेंज करेंगे, तो प्राइस को कांस्टेंट मानने के बाद अगर अदर फैक्टर्स की वजह से फेवरेबल चेंज हो गया और आपकी डिमांड बढ़ गई तो वी कॉल इट इंक्रीज इन डिमांड। अभी एक्सप्लेनेशन का समय कम है, इतना समझ तुम्हें पता ही है कि उसमें राइट शिफ्ट होता है ऑफ द डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस इज कांस्टेंट, वो ऊपर नीचे कर नहीं सकते, तो उसी लेवल पे आपको डिमांड बढ़ाना है तो आपके एक्स एक्सिस पे राइट साइड शिफ्ट होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आप वाई एक्सिस में ना ऊपर जा सकते ना नीचे आ सकते, वही प्राइस पे रहना है आपको और फिर भी आपको डिमांड बढ़ाना है तो राइट शिफ्ट ही होगा, और अगर डिमांड कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो राइट शिफ्ट में आपको सारे रीजंस एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और आंख बंद करके सब मेरे को जवाब देंगे, अपना अपना सोच के, दूसरों का सुन के नहीं। राइट शिफ्ट जब होता है तो इसका मतलब प्राइस तो कांस्टेंट है बट बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आ रहा है। बताइए इनकम का क्या होगा, पॉपुलेशन, अगर कार की बात हो रही है और कार की डिमांड बढ़ गई है, मेरे को पूछने दो, कार की बात हो रही है और कार की डिमांड बढ़ गई है तो कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल क्या हुआ है, सस्ता। कार का सब्स्टिट्यूट गुड मारुति का, इंडिका, वो क्या हुआ है, महंगा, लोगों ने उसको छोड़ा है और इसको चुन रहे हैं इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। रट के नहीं जाना, कॉन्सेंट्रेशन से एग्जाम में शांत मन से सोचना एक एक ऑप्शन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टाइम कम नहीं पड़ता है, कोई भड़ा भड़ी नहीं है, शांति से सोच के आपको ऑप्शंस लिखने और पेपर में पेंसिल से कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखना है जो चीटिंग जैसी लगे, बट आप छोटे छोटे मार्क्स बना सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करके चीज़ को समझने के लिए। जब हम कोई चीज़ का डायग्राम बना लेते हैं तो हमारे दिमाग में से वो उतर के सिंप्लीफाई हो जाती है चीज़, तो आप उसको पूरा अच्छे से ध्यान रख के ऑप्शंस को सुनिए। यस, तो बताइए अगर कार की डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, इनकम टैक्स का क्या हुआ है, पॉपुलेशन का क्या हुआ है, लोगों के टेस्ट में क्या चेंज आया है, टेस्ट बेहतर हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। इनकम, ये डिमांड चैप्टर में चेंज का मतलब नेगेटिव लिया जाता है अगर टेस्ट की बात हो रही है, तो ये तुम लोगों को पूरा बन रहा है। इसके नाम, इसको राइट शिफ्ट कहते हैं, इसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, इसको अपवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। चेंज इन डिमांड तो कॉमन नाम है ही इंक्रीज डिक्रीज का, इसको अपवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। बच्चों को इसके MCQ में कभी कभी दिक्कत आती है, तुमको दिक्कत नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिस वेल। ये इसका पूरा ऑपोजिट है, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। अब मैं चारों का कंपैरिजन तुमसे पूछ रही हूँ, फिर से बताएंगे। पूरे मुझे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेक करना है इसलिए मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। किन दो को कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसको कहते हैं चेंज इन डिमांड, विच इज राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, किसमें इनकम बढ़ी, किसमें टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट चेंज माने टेस्ट कम होना, तो डिमांड कम हो गई, तो फोर्थ, विच इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, विच इज कॉल्ड शिफ्ट इन कर्व, सुनना ध्यान से, विच इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, ये अपवर्ड इसको कहेंगे, पीछे जाने को अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व कहा गया है, विच इज कॉल्ड अपवर्ड शिफ्ट। जब भी शिफ्ट वर्ड आ जाए तो फिर वो इधर है, विच इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट, विच इज कॉल्ड राइट शिफ्ट, विच इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, थर्ड एंड फोर्थ, विच इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, किसमें, दोनों में प्राइस कॉन्स्टेंट है, थ्री एंड फोर, किन दोनों में अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिल्कुल इसमें कहीं कमी नहीं छूटनी है। अब रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड में जो इंपॉर्टेंट है वही कराती हूँ, इनकम इफेक्ट।
जब हम कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं और प्राइस उसकी कम हो जाती है तो हमारे हाथ में कुछ चिल्लर बच जाती है, तो हमारा दिल कहता है कि क्या पता ये मौका दोबारा मिले या ना मिले, तो बहती गंगा में हाथ धो लो। और जो बचत हमारी होती है, जो परचेजिंग पावर हमारी बढ़ जाती है, वो हमें प्रेरित करती है एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का ये मतलब नहीं है कि मेरी सैलरी बढ़ गई, इनकम इफेक्ट का मतलब है कि चीज़ सस्ती होने से मेरी बचत हो गई, और उस बचत होने से, परचेजिंग पावर के बढ़ने से, मैंने अतिरिक्त एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने का सोच लिया। क्लियर एवरीवन? द नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं अगर कोई पेन यूज़ कर रही हूँ, ये 100 रुपए का आ रहा है, मैं इससे नॉर्मली लिख रही हूँ, वहीं चाइना के मार्केट में पेन आ गए 20 रुपए के, और वो भी ऐसी ही लिखावट दे रहे हैं, तो मैंने सब्स्टिट्यूट करके ये महंगा वाला त्याग दिया और सस्ता वाला खरीद लिया, तो मैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ कस्टमर हूँ जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। हम अलग अलग कारण पड़ रहे हैं। पहली कैटेगरी वो होती है कि चीज़ ही सस्ती हो गई तो लोग बढ़ गए। दूसरा कारण ये है कि वो लोग जो पहले महंगी चीज़ें उपयोग कर रहे थे, उन्होंने महंगे को त्याग दिया, सस्ता विकल्प दिखा, तो वो सस्ते पे आ गए। तीसरा, न्यू कस्टमर क्रिएटिंग मोर डिमांड। तुम सब हॉस्टल में रहते हो, जो लोग तुम्हारे घर वाले तुम्हें लिमिटेड पैसे देते हैं, तुम्हें एक पेन अच्छा लगता था, तुम्हें खरीदना था, मन में इच्छा थी, बट उतने पैसे नहीं बचते थे तो तुम नहीं खरीद पाते थे। अचानक दुकानदार ने उस पेन को सस्ता कर दिया, तो वो लोग जिनके दिल में इच्छा तो थी पर जेब में पैसे नहीं थे, अब वो उनकी कैपेसिटी में आ गया, वो मार्केट में कूद पड़े, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। ये अलग अलग कारण हैं। चौथा, मैनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक दूध के पैकेट की हम बात करें, तो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता क्या था, एक दूध का पैकेट आया, पिताजी को चाय दी गई और भाई बहनों को बोनवीटा मिला, मिलू के मम्मी ने मिल्क का पैकेट, उसी में ख़त्म हो गया एक मिल्क का पैकेट। अब क्या हुआ कि अचानक वही दूध का पैकेट 20 रुपए की जगह 10 का हो गया, और हमारे मम्मी के दिल में अरमान जाग गए, अरे दही जमा लो, आइसक्रीम जमा लो, कस्टर्ड बना लो, मलाई इसके साथ घी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, इतने सारे यूजेज उन्होंने सोच लिए, तो एक पैकेट की जगह 3 पैकेट खरीद लाई। वो होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? तुम्हारे दिमाग का दही जम रहा है, कौन है ये? तो जब किसी कमोडिटी के बहुत सारे उपयोग होते हैं और वो चीज़ सस्ती हो जाए, तो लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा यूजेस भी हम कर सकते हैं, उसके कारण डिमांड ज़्यादा क्वांटिटी क्रिएट हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU का लॉ क्या कहता है? जैसे जैसे एक के बाद एक आप कमोडिटीज़ यूज़ करते जाते हो, खरीदते जाते हो, तो आपको जो उससे उपयोगिता मिलती है वो घटती जाती है। तो जब किसी चीज़ की उपयोगिता घटती जाती है, तो आप भी उसके लिए ज़्यादा पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, तो ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है कि ज़्यादा क्वांटिटी की यूटिलिटी कम मिलती है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी हमेशा हम कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, और दैट इज़ वाई लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स वहाँ पर सेट हो जाता है। आई विल रिपीट अगेन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि एक ही समय पे कमोडिटी वही आप निरंतर इस्तेमाल करते जाओ, तो बाद बाद में आपको उसकी उपयोगिता कम मिलती है। जब किसी चीज़ की यूटिलिटी आपको कम मिलती है, तो आप एक रैशनल आदमी उसके लिए ज़्यादा पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो ऐसा सेट हो गया है कि ज़्यादा क्वांटिटी में यूटिलिटी कम मिलती है, इसलिए हम प्राइस भी कम देने में इंटरेस्टेड होते हैं। हेंस इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया कि हायर द क्वांटिटी लेसर द प्राइस। तो ये एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ डिमांड का। एग्जाम में नेवरदलेस ये आता नहीं है। फर्स्ट टू को मिला के क्या कहते हैं? प्राइस इफेक्ट। हिक्स एंड एलन ने इसको दिया था, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मिला के बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, गिवन बाय हिक्स एंड एलन। ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड में आ जाते हैं। बताइए, जो चीज़ें एक साथ इस्तेमाल होती हैं उसे, जिसके बहुत सारे उपयोग हैं उसे, जब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ डिमांड हो, तो रॉ मटेरियल की डिमांड को ही जनरली डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। क्रॉस डिमांड, जब चाय के प्राइस से क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी पे असर पड़ जाए, एक का दूसरे पे असर पड़ने लगे, क्रॉस डिमांड।
एंड फर्म वर्सेस इंडस्ट्री डिमांड, एक एयरटेल एक फर्म है। इंडिया की सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री, पूरे मार्केट को इंडस्ट्री कहते हैं, तो ऑब्वियसली फर्म की डिमांड माने एक कंपनी की डिमांड, और इंडस्ट्री की डिमांड माने सारी उस टाइप की फर्म्स की कॉमन डिमांड। ओके, नाउ उसके बाद डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड नॉट नीडेड फॉर फाउंडेशन, देन कम्स मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मॉड्यूल में दे जरूर रखा है, बट दे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन आउट ऑफ इट, तो एकदम शॉर्ट में सुन लो, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। भविष्य में कितनी डिमांड होगी ये एनालिसिस करना हर दुकानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के आसपास पटाखों पे बैन लगा दिया, ये दुकानदारों ने पूर्व अनुमान लगा लिया था कि ऐसा तो होगा, और उस चक्कर में उन्होंने सामान कम बना के रखा था, नहीं तो उनके काम लग जाते। तो डिमांड की फोरकास्टिंग दुकानदार के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बिना प्लानिंग के अननेसेसरी सामान मैन्युफैक्चर कर लेगा जो बिकेगा नहीं, तो उसका बिजनेस में बहुत लॉस होगा। दैट इज़ वाई हम डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर वन, बायर की इंटेंशन को जानना। जब आप बायर की इंटेंशन को जानते हैं, जैसे क्लास में अगर 100 लोग बैठे तो हो सकता है मैं सबसे पूछूँ एक एक से कि ये गूगल फॉर्म भर दो कि ये सामान तुम इस दिवाली पे पटाखा खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे पटाखे खरीदेंगे। उसकी जगह सैम्पल सर्वे, मैंने फर्स्ट टू बेंचेस से पूछा कि तुम दिस दिवाली पे पटाखे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, तो ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों जैसे ही हैं, जैसा ये कहेंगे मैंने उनको पोर्ट्रे कर लिया पूरी पॉपुलेशन पे। तो दैट इज़ द सेकंड वन। तो इसलिए ये कुछ मेथड्स हैं, एग्ज़ाम में इसमें से कछु नहीं आता, तो आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ऊपर से देख लो, सर बस ये हो गया कलेक्टिव ओपिनियन। दुकानदारों के पास गए, उनसे पूछा भैया इस साल दिवाली में पटाखे कितने बिकेंगे, तो एक ने कहा 4 साल से तो सुप्रीम कोर्ट बैन लगा रहा है, 3 साल से मेरा नुकसान हो रहा है। तो सबकी ओपिनियन निकल के आई कि कोई मतलब नहीं है पटाखों में पैसा इन्वेस्ट करने का, क्या पता लास्ट डे फरमान जारी हो जाए, इससे अच्छा पटाखों की जगह लड़ी वो लाइट की दुकान खोल लो। अबे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो इसलिए ये कुछ मेथड्स हैं, बायर्स इंटेंशन, कलेक्टिव ओपिनियन, एक्सपर्ट, मार्केट के कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो लोग रिसर्च करते रहते हैं, उन लोगों को वो अपना जजमेंट देते हैं कि ये इंडस्ट्री की डिमांड कितनी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस ये 2-3 स्टार्टिंग के पढ़ लो, दैट्स इट। एक बार एग्जाम में जब स्टार्टिंग आया था ना, तब ये आया था बैरोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड में जो अपन ने बिजनेस साइकिल में पढ़ा है ना, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर, उसको यूज़ करके डिमांड प्रेडिक्ट करते हैं, घोट लो बस। लीडिंग लैडिंग लैगिंग इंडिकेटर को जो यूज करता है उसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक। हाँ भैया, तो कितने पॉइंट हैं इसके अंदर? 14। तो पूरी क्लास को इसको ध्यान से पढ़ के जाना है, आपने समरी भी बनाई होगी, आपको पानी पी लो जल्दी, पानी ब्रेक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिफाई करके बता देता है कि प्राइस का डिमांड पर कितना परसेंटेज असर हुआ, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तब हम सिर्फ उसका डायरेक्शन पढ़ते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। हम ये नहीं पढ़ते कि प्राइस 2 कदम बढ़ेगी तो डिमांड 8 कदम कम होगी, हम उसका क्वांटिटी नहीं पकड़ते, हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, कि प्राइस बढ़ेगी तो हम जनरली कह देते हैं डिमांड कम होगी, और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, बट उससे दुकानदार का पूरा पर्पस सॉल्व नहीं होता। दुकानदार ये जानना चाहता है कि मैं अगर अपने प्रोडक्ट की कीमत 2 रुपये बढ़ाऊँगा तो एग्जैक्टली कितने कस्टमर कम होंगे। अगर उसको ये एग्जैक्ट पता रहे कि मैं इतनी प्राइस बढ़ाऊँगा तो इतने लोग कम होंगे, तो वो कैलकुलेट कर सकता है कि 10 लोग मुझसे सामान कम भी खरीदें तो चलेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ाकर मुझे जितना कमाना था उतना तो मैंने कमा ही लिया। तो ये जो बिजनेस के डिसीजन हैं, इसके लिए इलास्टिसिटी की समझ होना बहुत ज़रूरी है, और CA के स्टूडेंट को आगे चल के बनना ही क्या है, डिसीजन मेकर। कंपनी के अंदर घुस के तुम्हारा जो मेन काम होने वाला है, यू गोइंग टू बी अ फाइनेंस एक्सपर्ट
taxation expert, auditing expert and costing expert and you will be deciding कि ये कंपनी कितना सामान बनाए, कितने रुपए पे बेचे, मार्केट में कहाँ सामान लॉन्च करे, कहाँ ब्रांच खोले, बैंक से पैसा ले, कॉस्टिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस. तो इसलिए इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ाई जा रही है. तो इकोनॉमिक्स हमेशा दिल से और लॉजिकली पढ़ना चाहिए. तो हमें जानना है कि प्राइस अगर 2 रुपए बढ़ाएंगे तो एग्जैक्टली कितना प्रतिशत परसेंटेज लोग कम होंगे, तो हम उसके हिसाब से अपना निर्णय लें. तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं इलास्टिसिटी शब्द का मीनिंग. इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस प्रतिक्रिया ऑफ डिमांड टू एनी ऑफ द फैक्टर. हम किसी भी चीज़ की चीज़ देख सकते हैं कि प्राइस चेंज होने से क्या होगा, इनकम बदलने से डिमांड का क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस चेंज होने से क्या होगा. बहुत सारी हम चीज़ें तुलना कर सकते हैं, बट तुम्हारे कोर्स में मुख्यतः जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज़ हैं वो हैं ये प्राइस इनकम क्रॉस एंड एडवर्टिजमेंट इलास्टिसिटी. नाउ प्राइस इलास्टिसिटी सिंपली हैज़ 3 मेथड्स, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. और आप ये मान के चलो कि तीनों में एक एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, आना ही है. ज्योमेट्रिक कभी कभी नहीं भी आता, बट एक्सपेंडिचर मेथड एंड परसेंटेज मेथड का क्वेश्चन तो फिक्स्ड है. तो आपको पता है कि परसेंटेज मेथड में 3 वैरायटी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एक है सिंपल मेथड, वेरी वेरी सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्वेश्चन में सीधा आता है कि 20% से कोई भी कमोडिटी दे देते हैं, 20% मात्रा कम हो गई, जब 10% प्राइस बढ़ाई गई तो तुमने न्यूमरेटर में लिखा क्वांटिटी को, डिनोमिनेटर में लिखा प्राइस को, और उसका उत्तर आ गया 2, तो मोर देन 1, हाईली इलास्टिक. तो कभी वो पूछ लेते हैं इसकी इलास्टिसिटी बताओ, कभी नंबर पूछ लेते हैं. तो ये एकदम सीधा और सिंपल है कि ये भी वो खुद दे देते हैं और प्राइस का परसेंटेज भी खुद दे देते हैं. तो तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि पर 1 रुपी चेंज इन प्राइस क्वांटिटी कितनी चेंज हुई. तो इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दोनों डायरेक्ट होते, 1 सेकेंड में आंसर आ जाता है. पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के तुमने मैम के साथ प्रैक्टिकल सॉल्व करे ही होंगे, एंड आई थिंक पूरी क्लास को फॉर्मूला कंठस्थ याद होगा. टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला. डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, वेयर डेल्टा यू नो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज. तो न्यू और ओल्ड क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल लो, यहाँ रख दो. चेंज इन प्राइस, चेंज हमेशा माइनस करके निकलता है, तो 2 चीज़ों में माइनस करा, यहाँ रख दिया. दिस इज ओल्ड वाली प्राइस एंड ओल्ड वाली क्वांटिटी. तो दिस इज वेरी सिंपल और इसका क्वेश्चन भी सिंपल ही आता है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस एक शेड्यूल टाइप का बना लेना, वहीं पर लिख लेना प्राइस क्वांटिटी और हो जाएगा. आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत है. फिर भी आई जस्ट गिव यू 1 क्वेश्चन टू चेक योर दिस थिंग. सबसे पहले क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी लिख लेना चाहिए. एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हो, बट आपको लगता है कि मैं मिक्सअप हो जाता हूँ तो आप फॉर्मूला भी लिख लेना. डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके आपको शेड्यूल को लिखना होता है. प्लीज बी क्वाइट एवरीवन. शॉपकीपर, आप वो स्टेटमेंट मत लिखो, सिर्फ सुन के भर लेना. शॉपकीपर रिड्यूस्ड द प्राइस बाय ₹2. ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹10. जैसे ही इतना आपने सुना तो आपने ओरिजिनल प्राइस में लिख दिया 10 और रिड्यूस बाय ₹2, 2 रुपए से कम कर दिया तो 8 रुपए कर दिया. ये आप दिमाग लगा के लाइन में अपने बॉक्स में भर लोगे. ड्यू टू दिस डिमांड ट्रेबल्ड, ऐसे कुछ शब्द कभी कभी वो लोग लिख देते हैं जिसकी अंग्रेजी के चक्कर में हम उलझ जाते हैं, बट हमें तो तुक्का लगाना ना चाहिए. सूरमा मोबाली हैं अपन
और जो भोपाल के बाहर वाले हैं वो भी अब रचना मैम के बच्चे हैं, सूरमा भोपाली. तो ड्यू टू दिस डिमांड ट्रेबल्ड, ट्रेबल्ड का मतलब है 3 times. तो ऐसे कभी कभी डबल ट्रेबल क्वाड्रिप्लिकेटेड ऐसे वो अंग्रेजी में उलझा देते हैं. अपने को उलझना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से सोचोगे तो याद आ जाएगा. सो अब आपको कुछ भी पता चल जाए ओल्ड या न्यू तो आप अपना काम कर सकते हो. द डिमांड बिकेम 300. तो अगर डिमांड 300 हो गई है तो आपने यहाँ पे न्यू में कितनी लिख दी, 300, और ये 3 गुना होने के बाद हुई है. अबे तो पहले कितनी रही होगी, ऐसे सोचना है. कहाँ से 600 बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, लगा क्या होता है, लगा क्या होता है. एक मिनट शांत, कैलकुलेशन तुम्हें आता है उसकी बात नहीं हो रही है. हमने कहा डिमांड बिकेम 300, क्या ये समझ में आया यहाँ 300 लिखना है. और हमने लिखा है डिमांड ट्रेबल, 3 गुना हो गई है, तो पहले इससे 3 गुना कम रही होगी ना, तो 100 रही होगी ना, बोलो हाँ या ना. तो जैसे ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो तुमको आंसर आता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू बी बाई क्यू, व्हाट इज द आंसर. और माइनस आपको इग्नोर करना है क्योंकि आपको तो मालूम है इनवर्स रिलेशनशिप के चक्कर में माइनस में आंसर आएगा. तो जब 4 ऑप्शन दिए हैं आप माइनस को इग्नोर करके आंसर लिखोगे, माइनस वाला आपको टिक नहीं करना. मगर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को फोकस किया हो तब अपने को माइनस वाले आंसर्स को ध्यान देना पड़ेगा. कितने लोगों को ये वाले पूरे फॉर्मूले क्लियर हैं, वो मैम के साथ इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं पूरी क्लास, किसी को कोई भी दिक्कत हो वो लेक्चर्स रिपीट करे, बिकॉज ये आना तय है, अवश्यम भावे आएगा ही आएगा. तो आई थिंक आपको ये सभी क्लियर है, मैं इसमें अपना समय नहीं देना चाहूँगी. इसके बाद आपने एक इलास्टिसिटी पढ़ी, आर्क इलास्टिसिटी. नाउ आर्क इलास्टिसिटी मेथड का फॉर्मूला इस डेल्टा क्यू को ही एक्सपैंड करके शुरू हुआ है. डेल्टा क्यू इज क्वांटिटी का डिफरेंस, बोलो हाँ या ना. तो बस न्यूमरेटर में क्वांटिटी का डिफरेंस लिया, Q1 माइनस Q2, तो कर दिया नीचे, अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2. आजकल एग्जाम में वो बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि आर्क यूज करना है कि पॉइंट. बाय चांस कभी एग्जाम में ना आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या यूज करना है, आर. अगर ऑप्शन मैच ना हो तो आप जाइए पॉइंट पर. इज दैट क्लियर. वैसे आजकल इतने अटेम्प्ट से देख रही हूँ मैं, 8-10 अटेम्प्ट से, तो वो मेंशन करते हैं आर इलास्टिसिटी या पॉइंट, और दोनों से आंसर अलग आता है. अब इसका एक थ्योरेटिकल पॉइंट है कि कब कौन सा यूज़ करते हैं हम मेथड. तो हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड जब डिमांड कर्व के सिंगल पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी हो तब काम आता है. सिंगल पॉइंट इमर्ज कब करता है, जब बहुत ही छोटा चेंज हो, जैसे 10 रुपये से 11 रुपये, इतना छोटा चेंज है कि पॉइंट आप वहीं के वहीं है, आपको कैसे मिलेगा. जब बड़ा चेंज हो, 2 पॉइंट्स के बीच में 2 बड़े बड़े डिस्टिंक्ट पॉइंट कब आते हैं, जब 10 का 5 आधा कर दिया या 5 का 10 डबल कर दिया, तो बड़े चेंज में 2 पॉइंट अलग अलग दिखते हैं और दोनों के बीच के डिफरेंस को हम आर्क इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं. ऑल राइट एवरीवन, सो पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क, आर्क इज यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट इज यूज एट 1 पॉइंट. और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो एक ऑटो प्रोड्यूसर वाला क्वेश्चन तुमने करा होगा ना, वही रिपीट होता है बार बार सेम क्वेश्चन, नो रॉकेट साइंस इन दिस एज वेल. नाउ इसके बाद अदर मेथड्स भी 2 मिनट हाथ के और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी पे जाएंगे. ज्योमेट्रिक मेथड. अब ज्योमेट्रिक मेथड में आपको मालूम है 2 बहुत बेसिक बातें कि डिमांड कर्व जब स्ट्रेट लाइन होता है तभी ये मेथड काम आता है. इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसमें हम सीधे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. अगेन यू नो इट, सो वी विल जस्ट स्ट्रेट डिस्कस इट. डिमांड कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर इलास्टिसिटी इज 0, थोड़ा ऊपर चले तो बिल्कुल मिडिल पे, थोड़ा ऊपर तो, और लास्ट में. तो ये तुम आराम से कर लोगे. प्लीज गिव मी 1 or 2 questions फॉर दिस. व्हाट इज द इलास्टिसिटी व्हेन द डिमांड कर्व इज अ कर्वेचर? नॉट एप्लीकेबल. कर्वेचर वाले ग्राफ में, कर्व में, वो
एक्स एंड वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो कैलकुलेशन संभव नहीं है, कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा. व्हाट इज द इलास्टिसिटी व्हेन द डिमांड कर्व टचेस द क्वांटिटी एक्सिस? क्वांटिटी एक्सिस कौन सा होता है? व्हाट इज द इलास्टिसिटी व्हेन द डिमांड कर्व टचेस द प्राइस एक्सिस? व्हाट इज द इलास्टिसिटी व्हेन द डिमांड कर्व इज बाइसेक्टेड इनटू टू पॉइंट्स? क्योंकि बाइसेक्टेड का मतलब दो पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है, तो दिस यू नो वेरी वेल. एक्सपेंडिचर मेथड प्लीज एक्सप्लेन. पूरी क्लास को ये क्लियर है? हाथ उठाएंगे कितनों को क्लियर है? गुड. नाउ मैं रिपीट तो कर रही हूँ बट इतनी जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आएगा. इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी आर डूइंग. सॉरी फॉर दिस, वी हैव लेस टाइम. आपने इसी फॉर्मूले से पढ़ा है एवरी वन? तो बोलेंगे मेरे साथ, प्राइस फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक्सपेंडिचर राइजेस इक्वल्स फॉल्स, ई इज ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन लेस देन वन. प्राइस राइजेस राइजेस राइजेस, एक्सपेंडिचर फॉल्स इक्वल राइजेस, ई इज ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन लेस देन वन. अगर लाइन आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6 में द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, कौन कौन सी लाइन अट्रैक्ट हो रही है? फर्स्ट एंड फोर, एंड एक्सपेंडिचर फॉल्स अब फोर, तो प्राइस विल राइज. ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बनना चाहिए. आई विल रिपीट, ई इज इक्वल टू वन, कौन कौन सी लाइन आइटम आ रही है? सेकेंड और फिफ्थ, सेकेंड और फिफ्थ. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिख जाएगा कि प्राइस राइज आया है या फॉल, तो आप वो वाला 2 सेकेंड के अंदर बना लेना तो ईजिली हो जाएगा. तो आपने कहा सेकेंड और फिफ्थ. अब ऐसे में एक्सपेंडिचर इज इक्वल, तो अगेन इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, तो बताओ प्राइस में राइज ऑल्सो एंड फॉल ऑल्सो, हाँ या ना? तीनों में से किसमें इलास्टिसिटी इज इनइलास्टिक? इनइलास्टिक का मतलब लेस देन वन, तो कभी कभी वो ई इज लेस देन वन की जगह इनइलास्टिक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं. तो आपने देखा कि थर्ड में भी इनइलास्टिक है और फोर्थ में भी इनइलास्टिक है. एंड एक्सपेंडिचर राइजेस, सिक्स मतलब एक्सपेंडिचर राइजेस, तो प्राइस विल राइज. समझ में आ पा रहा है हम ये क्या कर रहे हैं? आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है, तो आपका लॉकडाउन होते जाएंगे ऑप्शन. फिर से बताइए किसमें इलास्टिसिटी इज हाईली इलास्टिक? फर्स्ट एंड फोर्थ. फोर्थ कौन सिक्स बोल रहा है? फर्स्ट एंड फोर्थ. ऐसे में क्वेश्चन में अब दो ही लाइन बची हैं और वो कह रहे हैं प्राइस फॉल्स. अब कौन सी लाइन बची? फर्स्ट, क्योंकि फोर्थ में तो प्राइस बढ़ी है तो वो हटी, तो फर्स्ट वाली बची. तो बताओ एक्सपेंडिचर राइजेस. तो आई होप सबको ये वाला सॉल्व करना आता है, नहीं तो आप पिछली बार का लिंक में, टीम माय डियर टीम लिंक में आप पिछली बार का डाल दें. आपकी बुकलेट में भी पिछली बार का लिंक है जिसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को किया था. एक्सपेंडिचर मेथड फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. लौट के आती हूँ मैं इस पॉइंट पर. फिर से बताइए मुझको, ऑल ऑफ यू, इलास्टिसिटी के कितने मेथड हैं? हम अभी कौन सा पढ़े हैं? प्राइस में कैलकुलेशन के कितने ऑप्शंस हैं परसेंटेज मेथड में? कौन कौन सा? हमें एग्जाम में अगर परसेंट्स डायरेक्ट दिए हों तो कौन सा यूज करना है? और ऐसा स्टेटमेंट टाइप का दिया है तो पहले क्या आर, फिर टाइम ना मैच हो तो पॉइंट. फॉर्मूले दोनों के दिमाग में फिट हैं सबके. और माइनस को इग्नोर करना है, ऑप्शंस में माइनस आए तो इग्नोर करना है और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को टिक करना है. मगर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन हो तो माइनस को भी ध्यान में रखते हुए आंसर करना है. उसके अलावा ज्योमेट्रिक मेथड में तो स्ट्रेट लाइन है और वो सब कैलकुलेशन आता नहीं उसमें. एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं. इस मेथड के अंदर टोटल आउटले में आपके खर्चे के बेसिस पर तय होता है. आई हैव गॉन वेरी फास्ट इन दिस. आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ सुन के किसी को, सिर्फ जिसको आता है उसका रिवाइज हो सकता है, समझ में किसी को नहीं आ सकता इतनी स्पीड में अपन ने करा है. तो मैं आज इसको यहीं पर विराम दे रही हूँ. गुड आफ्टरनून एवरी वन. चलिए लेट्स बिगिन आवर डिमांड टॉपिक जो चल रहा था, इलास्टिसिटी एंड डिमांड. लेट्स बिगिन दैट फटाफट. मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं. टाइप्स ऑफ डिमांड में वी आर कंटिन्यूइंग द रिविजन ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी एंड सप्लाई. प्लीज टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जॉइंट डिमांड.
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को जॉइंट डिमांड बोलते हैं, टाइड डिमांड भी उसका नाम है. प्लीज टेल मी द डिमांड जो उन प्रोडक्ट्स की होती है विच हैव मेनी यूजेस. जब हम एक घर बनाते हैं तो उसके चक्कर में ईट, गिट्टी, लोहा, सीमेंट, तो ये सब रॉ मटेरियल की डिमांड कौन सी डिमांड है? डिराइव्ड डिमांड. वेरी गुड. प्लीज टेल मी रीजंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस इफेक्ट में कौन कौन सी दो चीजों का समेशन है? इनकम इफेक्ट एंड. ऑल्सो टेल मी दैट जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, किन दो में प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट? किसमें प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट? विच इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व. क्या घोर कलयुग आ गया है. अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व इज कॉन्ट्रैक्शन. गलत कर्व. वेरी रॉन्ग. डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व. अपवर्ड शिफ्ट. बैकवर्ड शिफ्ट. राइट शिफ्ट. चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चारों में से किन दो में प्राइस इज कॉन्स्टेंट? चारों में से कौन से में अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट? गुड. तो ये आपसे बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं होना चाहिए. गिफिन गुड्स का डिमांड कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग. वेबलिन गुड्स का डिमांड कर्व इज अपवर्ड और डाउनवर्ड? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट अपवर्ड कर्व? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. वेबलिन गुड्स का दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स. कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स के कारण इट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस दिस थिंग. बैंड वैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अलग है या सेम? क्या ये सिर्फ रिच कैटेगरी के लोगों में होता है या मिडिल क्लास में? नाउ ऑल्सो प्लीज टेल मी स्पेक्युलेटिव गुड्स, द शेयर मार्केट गुड्स, डू दे फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड? नो दे डोंट. जिस चीज की प्राइस बढ़ती है लोग सोचते हैं ये कंपनी अच्छा कर रही है तो उसे और बाय करने लगते हैं. वहाँ उल्टा हिसाब चलता है. ऑल राइट, सो इलास्टिसिटी पे आ जाइए फटाफट. इलास्टिसिटी में प्लीज टेल मी पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी में से कौन सी इलास्टिसिटी मेजर्स लार्ज चेंजेस? विच मेजर्स चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट एट द डिमांड कर्व. ऑलराइट, प्लीज टेल मी जब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी, नाउ कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. ये आगे तक के टॉपिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है. इलास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पांच रेंज हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब ई का आंसर जीरो आए तो उसका क्या मतलब, जब वो लेस देन वन आए तो उसका क्या मतलब, वन आए, ग्रेटर देन वन और इन्फिनिटी, तो हमें उससे इंटरप्रिटेशन क्या निकालना है. सबसे पहले हम बात करते हैं ई इज़ ज़ीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. नाउ इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में चेंज आ भी रहा है कि नहीं. जैसे कि कोई रबर बैंड है, अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो वो काफ़ी दूर तक पुल हो जाती है आपके फोर्स से, तो मतलब उसमें लोच, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी है. कि प्राइस का अगर असर पड़ रहा है तो उस पर असर पड़ रहा है. बट अगर लोहे की रबर बैंड हो, रबर बैंड ना हो, लोहे की एक जंजीर हो, आप उस पर फोर्स भी डालोगे और उसको पुश करने की कोशिश करोगे तो क्या वो स्ट्रेच होगी? नहीं. तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, ज़ीरो चेंज. तो जब प्राइस के बढ़ने से, इसी प्रकार से इलास्टिसिटी को कहेंगे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो दैट इज़ ज़ीरो इलास्टिसिटी. परफेक्टली इन इलास्टिक हिंदी में पूर्णतः बेलोचदार, जिसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लोच या असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर. तो ऐसा तब होता है जब वो कमोडिटी हमारे लिए अति आवश्यक हो, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स. किसी के घर में कोई बीमार हो और उसको वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो, जैसी कोविड के टाइम थी, उस वक्त चीज़ अगर 5 रुपए की 10 में मिल रही है, या 5,000 की 10,000 में मिल रही है, या 50,000 की चीज़ 5,00,000 में मिल रही है, तो भी आदमी ने कुछ भी करके पैसे अरेंज करे और उसने सामान खरीदा, उसकी डिमांड चेंज नहीं हुई,
तो जब प्राइस के बढ़ने पर भी डिमांड टस से मस ना हो, जैसी पहले थी वैसी की वैसी रहे, तो इट इज़ ज़ीरो इलास्टिसिटी। ऐसी सिचुएशन सेलर के लिए बेस्ट सिचुएशन है, क्योंकि उसको पता है कि उसके कस्टमर को उस सामान की इतनी ज़रूरत है कि मैं 5 रुपए की जगह 50 रुपए भी चार्ज करूँगा तो भी कस्टमर टस से मस नहीं होगा और सामान खरीदेगा ही खरीदेगा। इसीलिए कोविड के टाइम पे दुनिया तो बर्बाद हुई बट मेडिकल इंडस्ट्री आबाद हुई, क्योंकि उनको पता था कि भाई लोगों की तो मजबूरी बन गई है, वो कैसे भी करके सैनिटाइजर जैसी छोटी सी इंडस्ट्री एकदम उसके शेयर मार्केट के भाव पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए इलास्टिसिटी से दुकानदारों के डिसीजंस पे बहुत असर पड़ता है। तो जब प्राइस बढ़ाने से भी कस्टमर हिले ही ना बिल्कुल जगह पर से, सामान खरीदे ही खरीदे, तो दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका डिमांड कर्व इज़ वर्टिकल, शोइंग कि प्राइस वाई एक्सिस पर कितनी भी ऊपर नीचे मूव कर जाए, क्वांटिटी एक जगह फिक्स है, अगर 10 है तो वो 10 ही है, तो वर्टिकल कर्व। रियल लाइफ में थोड़ा मुश्किल इसको पाया जाता है बट लाइफ सेविंग ड्रग्स इसका एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट इज इन इलास्टिक डिमांड। जब ई का आंसर लेस देन 1 आया, मतलब प्राइस जितना चेंज हुई उसकी तुलना में डिमांड पर असर तो हुआ मगर कम, असर तो हुआ मगर कम, असर तो हुआ मगर कम। सीधी सी बात है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर क्वांटिटी की अगर हम बात करें कि हम प्राइस बढ़ा भी रहे हैं तो थोड़ा सा ही कस्टमर हमारा हिल रहा है, ज़्यादा नहीं इधर उधर हो रहा है। तो जब चीज़ बहुत आवश्यक होती है तब ऐसा होता है। ये तो लाइफ सेविंग ड्रग्स का एग्जाम्पल है, परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल ही असर नहीं पड़ रहा। बट जो चीज़ें नेसेसिटी हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, जैसे खाना। कोई आदमी एक दिन में 4 चपाती खाता है, खाना हमारी नेसेसिटी है। अब अगर खाना महंगा हो गया है, मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो वो बस इतना ही कर पाएगा कि 4 की जगह 3 रोटी खाए। शुद्ध घी लगाता था तो डालडा लगाए, और वो भी ना लगा पा रहा है तो रोगी खाए, बट ऐसा ना कर पाएगा कि रोटी खाना ही छोड़ दे, ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए असर तो होता है इसमें प्राइस का डिमांड पर मगर कम। तो ये किन चीज़ों में होता है? इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक फूड, क्लोदिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिसिन, इन सब में कम असर होता है प्राइस का डिमांड पर। तो इसका डिमांड कर्व कैसा हो जाता है बच्चे? स्टीप। स्टीप कर्व का मतलब क्या होता है बताओ? हम अगर 2 पॉइंट लें ए और बी, सो ए और बी में अगर आप बीच में प्राइस का डिफरेंस देखो तो वो तो इतना बड़ा है, बट अगर आप इनकी क्वांटिटी का डिफरेंस देखो तो वो इतना सा है। तो स्टीप कर्व में हमेशा आप पाएंगे कि क्वांटिटी का ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस पे इतना सा चेंज हुआ है बट प्राइस तो काफ़ी चेंज हुई है, तो फिर स्टीप कर्व ही ऐसे में इमर्ज करेगा। तो ये नेसेसिटीज़ में होता है और इसमें इसके अलावा कोई एग्जांपल आता नहीं है, बट 101% श्योर पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो इस चीज़ के आएंगे ही आएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड पे ज़्यादा असर ना हो, थोड़ा सा ही असर हो, तो इट इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। उसका ग्राफ फ्लैट भी नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, इट विल बी स्टीप। स्टीप ग्राफ का मतलब है 2 पॉइंट्स के बीच में आप तुलना करो तो प्राइस चेंज तो काफ़ी है बट क्वांटिटी चेंज कम है, तभी स्टीप ग्राफ इमर्ज करेगा। और इसका एग्जांपल है रियल लाइफ का नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोदिंग, शेल्टर। खाने के बिना हम जी नहीं सकते, तो हम थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, बस थोड़ा ही असर होता है। बताइए क्या पेट्रोल इसमें आएगा? हाँ, पेट्रोल इज एक तरह से नेसेसिटी। अगर किसी ने 2-व्हीलर खरीद ली है तो पानी से थोड़ी चलेगी, पेट्रोल से ही चलेगी। तो अगर पेट्रोल के दाम महंगे हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 लीटर महीने में पेट्रोल भरवा रहा था तो 9 भरवाएगा 8 भरवाएगा, ऐसा थोड़ी करेगा कि घर में गाड़ी उठा के रख दे और पैदल चलने लगे। तो इट इज़ अ नेसेसिटी। तो जो चीज़ नेसेसिटी है वो चीज़ अगर महंगी भी हो जाए
तो मजबूरी में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कंजम्पशन। तो पेट्रोल उसी कैटेगरी में आता है, रूटीन दवाइयाँ भी उसी कैटेगरी में आती है, एजुकेशन भी उसी में आती है, ये सब उसी में आता है। मगर लग्जरी गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होगी या हाईली इलास्टिक, तो वो अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो डिस्कस करेंगे, बट ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। फिर से बताइए, इनइलास्टिक की डेफिनेशन क्या होगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस का डिमांड पर कम असर हुआ, क्योंकि वो जो वस्तु थी वो इम्पॉर्टेंट थी, तो हमें लग रहा था प्राइस महंगी हो गई है फिर भी खरीदते गए। तो ये आपको अंदर तक पता होना चाहिए इनइलास्टिक का मतलब। इसका ग्राफ स्टीप रहेगा और इसका एग्जाम्पल है नेसेसिटीज। अब आते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनी स्टैंड्स फॉर वन, जैसे यूनिवर्स एक है, जैसे यूनिक का मतलब एक आदमी जो अपने आप में ही अलग हो, तो यहाँ यूनी का मतलब है जब इलास्टिसिटी का उत्तर वन आ जाए, यूनी फॉर वन। तो आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर 10% है और प्राइस का भी चेंज 10% है तो उत्तर क्या आएगा? 1। तो जब इलास्टिसिटी का उत्तर 1 आ जाए, इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि उसके नीचे अगर आप दो रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होगा। आप देख भी सकते हैं कि दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जितना प्राइस में गैप है उतना ही क्वांटिटी में गैप है। सो ये जनरली बेटा नॉर्मल गुड्स में देखा जाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कम आता है, दो ही पे क्वेश्चन आता है, इनइलास्टिक हाईली इलास्टिक। देन कम्स हाईली इलास्टिक, हु विल एक्सप्लेन इन द क्लास, स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन। हाईली इलास्टिक में प्राइस का डिमांड पर ज्यादा असर हो गया या कम? ज्यादा असर या कम? ज्यादा या कम? हाउ? लग्जरी गुड्स में कोई एक्सप्लेन करे हाउ प्राइस का डिमांड पर ज्यादा असर हो गया। एक्सप्लेन, लग्जरी गुड्स में प्राइस का डिमांड पर ज्यादा असर हो गया। यस यस प्लीज। तो तुम्हारे लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं थी क्या? ऑलमोस्ट सही बोला, ऑलमोस्ट पूरा एग्जाम्पल जो क्लास में सुना है वैसा वैसे रिपीट किया है सबने। लग्जरी गुड्स कंफर्टेबल लिविंग के लिए काम की तो हैं, पर हम उनके बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके बिना मर ही रहे हों। तो सपोजिंग जो तुम्हारा एग्जाम्पल है मैं उसी को बिल्डअप करती हूँ, कि हमें खरीदने का मन हुआ इस दीपावली पे, चलो खरीदते हैं घर में एसी, पंखा तो घर में है ही, हवा तो हमें मिल ही रही है। हम एसी की दुकान पे पहुँचे, 20,000 का एसी उसने 22,000 का कर दिया। हमारे दिमाग में तुरंत बात आई, अरे यार 2,000 रुपये बढ़ गए, कौन खरीदे, इसके बिना भी तो काम चल ही रहा था, घर में पंखा तो है ही, थोड़े दिन बाद कोई फेस्टिव सीजन आएगा, न्यू ईयर आएगा, डिस्काउंट आएगा, तब खरीद लेंगे, अभी कौन खरीदे। और हमारे लिए क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं थी, हमने अपना कंजम्पशन पोस्टपोन कर दिया। और हम ज़रूरी होती खाना तो हम उस वक्त महंगा भी खरीद लेते, बट एसी था, हमने कहा चलो ठीक है बाद में खरीद लेंगे। तो जो हमने ये पोस्टपोन कर दिया ना, तो उस दुकानदार की डिमांड क्या हो गई? कम। ऐसा सभी कस्टमर्स ने सोचा कि थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ी है कौन खरीदे, और उन्होंने डिमांड को पोस्टपोन कर दिया बिकॉज इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस वजह से जो चीज़ें सिर्फ शो ऑफ के लिए या थोड़ी अच्छी लिविंग के लिए होती हैं बट लाइफ के लिए बहुत बेसिक नेसेसिटी नहीं होती, वो ज़रा भी महंगी होती है ना, तो कस्टमर सोचा है चलो छोड़ो बाद में खरीदेंगे। ये बाद में खरीदने वाला एटीट्यूड के कारण दुकानदार की डिमांड कम हो जाती है, और ऐसा सब सोचने लगते हैं तो डिमांड काफ़ी कम हो जाती है। और जब फेस्टिव सीजन आया उसने सेल लगाई, 10-20,000 की एसी उसने 19 की कर ली, ज़रा सा कम की है प्राइस उसने 1,000, बट लोग तो बिसात बिठाए बैठे थे कि बस प्राइस कम हो और हम कूदें, और सब कूद पड़ते हैं मार्केट में।
तो जरा सा डिस्काउंट आता है तो खूब डिमांड बढ़ जाती है, और जरा प्राइस कम होती है तो डिमांड एकदम कम हो जाती है। तो ये जो असर है ये हाईली इलास्टिक असर का मतलब है, काफ़ी ज़्यादा असर हो जाना डिमांड का, प्राइस का डिमांड पर, और लग्जरी गुड्स में ये देखने को मिलता है। नाउ इसका डिमांड कर्व, व्हाई इज इट फ्लैट, हु विल टेल मी द फ्लैट शेप? यस, इस कर्व पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैंने दोनों को कोरिलेट किया, देखिए प्राइस में सिर्फ इतना सा चेंज है, बट अगर वहीं उसकी क्वांटिटी को कोरिलेट करें तो इतना ज़्यादा चेंज है। तो हमेशा फ्लैट कर्व तब इमर्ज होगा जब क्वांटिटी पे चेंज ज़्यादा होगा, माने ज़्यादा असर, ई इज ग्रेटर देन वन। ओके, देन कम्स परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, जो कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट और प्राइस भी वहीं की वहीं है, फिर भी किसी दिन कस्टमर 10 खरीद रहा है, 40 खरीद रहा है, 100 खरीद रहा है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इस तरह का डिमांड कर्व देखा जाता है कि डिमांड कर्व बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी जो मैं फील कर पा रही हूँ काफ़ी क्लियर है, बस इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कभी कभी एग्जाम में एक आध बार ही कैलकुलेशन के लिए आई है तो आपको पूरा ही बनता है। अब आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, सीधे बैठ जाइए, कोई गलती नहीं चाहिए, एकदम अंदर तक तह तक याद होना चाहिए। मैं आपको बोलूँगी ई इतना, आप उसके ग्राफ का शेप बताएंगे। ई इज ज़ीरो, ई इज इन्फिनिटी, ये अ बोल के भी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ई कितना? ई इज ग्रेटर देन वन का ग्राफ कैसा? ई इज लेस देन वन का ग्राफ कैसा? किसमें प्राइस का डिमांड पे सेम असर, किसमें प्राइस का डिमांड पे कम असर, किसमें प्राइस का डिमांड पे ज्यादा असर, किसमें प्राइस का डिमांड पर बिना चेंज हुए असर, किसमें प्राइस का डिमांड पे नो असर। ओके, मेरी माँ थोड़ा धीरे बोल, तेरे चक्कर में बाकी बच्चे तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे को मेरे कान तक। ओके, तो फिर से ध्यान से सुनेंगे, किसका ग्राफ फ्लैट ग्रेटर देन वन, किसका हॉरिजॉन्टल, किसका वर्टिकल, किसका स्टीप, किसका फ्लैट, किसमें प्राइस का डिमांड पर ज्यादा असर, किसमें प्राइस का डिमांड पे इक्वल असर, किसमें प्राइस का डिमांड पे कम असर, किसमें प्राइस का डिमांड पे नो असर, किसमें प्राइस का डिमांड पे बिना प्राइस के चेंज हुए असर। तुम बोल तो रहे हो पर भी स्पीड कम है, एकदम और रिफ्लेक्स फास्ट चाहिए, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग स्क्रीन को रेफर करके बोल रहे हो, स्क्रीन के बिना बोलो तो बात है। एकदम शांत, अब स्क्रीन के बिना बोलेंगे, ऑनलाइन वाले तो भैया बहुत टाइप करते करते ही थक गए। ओके, कम अगेन, ई जीरो का ग्राफ कैसा, ई इज लेस देन वन का ग्राफ कैसा, E is equal to 1 का ग्राफ, E is greater than 1 का ग्राफ, E is infinity का ग्राफ, necessities का E क्या, luxuries का E क्या, normal goods का E क्या, market form के हिसाब से perfect competition का E क्या, चारों में से कौन सा बिल्कुल practical नहीं है, luxury का E क्या, नेसेसिटी का ई क्या, लाइफ सेविंग ड्रग्स का ई क्या, किसमें प्राइस का डिमांड पे नो असर, प्राइस का डिमांड पे कम असर, प्राइस का डिमांड पे इक्वल असर, प्राइस का डिमांड पे ज्यादा असर, प्राइस का डिमांड पे हर कितना असर। गुड, सही बोल रहे हो, नेसेसिटीज का ई क्या, लग्जरीज का ई क्या, लाइफ सेविंग ड्रग्स का ई क्या, किसमें प्राइस का डिमांड पे नो असर, प्राइस का डिमांड पे कम असर, प्राइस का डिमांड पे इक्वल असर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ई क्या, फ्लैटर कर्व का ई क्या, स्टीपर कर्व का ई क्या। गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ।
बढ़िया, सब बढ़िया पढ़ के आए हो, शानदार पेपर जाएगा तुम्हारा। बस ईको में तुम ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ऐसा ना हो कि ज्यादा ही खुशी में, मतलब ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा ही कुछ बाउंसर कर रहा हो। बढ़िया बढ़िया आंसर, वेरी गुड, यू आंसर्ड वेरी वेल एंड यू आर क्वाइट क्लियर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर परफॉर्मेंस। ओके नाउ अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तुमने सारे मेथड वगैरह तो कर ही हुए हैं। एक सेकेंड, इनकम इलास्टिसिटी और पढ़ लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था कि जब प्राइस एंड ऑल अदर फैक्टर्स को हमने कॉन्स्टेंट माना, ऐसी स्थिति में हमारी इनकम के बढ़ने से डिमांड पर क्या असर होगा। तो इसमें बेटा तुमको दिमाग इतना लगाना है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, उसमें बस इनकम मतलब डिनोटेड बाय वाई चेंज कर दिया। एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल नहीं आता, कभी कभी इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका सेंस पकड़ लो बस। ई इज ग्रेटर देन वन, इनकम इलास्टिसिटी में लग्जरीज का ई इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या है? किसी भी आदमी की इनकम बढ़ती है ना, तो अगर इनकम उसकी 10% बढ़ती है ना, तो लग्जरीज 20-30% खरीदने लगता है, क्योंकि वो वेट ही कर रहा था तुम सब जैसे ही सीए कंप्लीट होगा। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा पहले ही महीने में गाड़ी भी, घर भी, मोबाइल भी, घर वालों के लिए भी सामान भी, लग्जरी पे एकदम उतर आता है। तो इसलिए ई इज ग्रेटर देन वन, जितनी उसकी इनकम का परसेंट बढ़ा है, खरीदारी का परसेंट उससे ज़्यादा बढ़ा लेता है। ऐसा रियल लाइफ में एक्साइटमेंट में देखा गया है। तो लग्जरीज का इनकम इलास्टिसिटी कितनी है? ग्रेटर देन वन। नेसेसिटीज की लेस देन वन है। क्यों? मेरी इनकम हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, चार चपाती पहले खानी थी और चार चपाती ही बाद में खानी है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम एक सीए स्टूडेंट हो, तुम्हें 1000 रुपये घर वाले स्टाइपेंड दे रहे हैं, सीए बनते से ही 1,00,000 रुपए महीने इनकम हो गई, मैंने 2 0 जुड़ गए, तो इनकम कितनी हो गई? 1,00,000 रुपए पर मंथ। तो इनकम में कितने 0 जुड़ गए? 2। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम 4 चपाती खाते थे तो उसमें भी 2 0 जोड़ के 400 चपाती खाने लगे, ऐसा नहीं होगा। उल्टा डाइट कॉन्शियस जाओगे टू हैव अ गुड फिगर। तो कहने का मतलब ये है कि नेसेसिटी आप पहले भी उतनी ही कंज्यूम कर रहे थे, तो इनकम के बढ़ने से नेसेसिटी के कंजम्पशन पर कोई खासा असर नहीं हुआ, इसलिए लेस देन वन। नॉर्मल गुड्स में तो पॉजिटिव असर होगा ही। बच्चे बात करना है, पीछे बैठो। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव ही असर होता है, बट इन्फीरियर गुड्स को आदमी त्याग देता है जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है, इसलिए वहाँ नेगेटिव असर है और नॉर्मल गुड्स पे पॉजिटिव। तो ये भी तुम काफ़ी क्लियर हो, गुड टू सी दैट। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी, जब एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी पे असर हम देखें तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन भी आजकल पिछले 5-6 अटेम्प्ट से ऑलमोस्ट आ ही रहा है, एक आध क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो इसमें भी कोई ऐसी बहुत मेजर बात नहीं है। पहले तुम करते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी तुम कमोडिटी एक्स की लेते थे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी एक्स की लेते थे। अब एक कमोडिटी का तुम क्वांटिटी ले रहे हो और दूसरे की प्राइस। तुम्हें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, इजीली बनेगा। तुम इसका कंसेप्ट एक बार पढ़ लो। बताओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में से किस में है? सोचना एक मिनट, किसका एक दूसरे पर नेगेटिव या फिर इन्वर्स रिलेशन होता है? जब पेट्रोल महंगा होता है उसके चक्कर में कार की डिमांड बोलो कम हो जाती है ना, इसका मतलब एक के बढ़ने से दूसरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए इन्वर्स रिलेशनशिप नेगेटिव इफेक्ट के कारण एक तो इनका ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक आध बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है कि ये बॉक्स में उन्होंने ग्राफ बना दिया, वाई एक्सिस पे लिख दिया गुड ए और एक्स एक्सिस पे लिख दिया गुड वाई गुड बी और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया। अब उनका ऑप्शन ए था, गुड ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर नन ऑफ द अबव, आर एनी ऑफ द अबव।
तो आंसर क्या होना चाहिए था? दे वर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपको नाम भले ही नहीं पता हो बट डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही है इनवर्स रिलेशन. और इनवर्स रिलेशन किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री. तो ऐसे एक स्टेप उलझा के वो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं. तो इसलिए ग्राफ भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है. आप ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन पेपर में ग्राफ आएगा ही नहीं है तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है. चारों ऑप्शन में वो ग्राफ दे सकते हैं कि विच इज़ द एप्लीकेबल ग्राफ. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो इसलिए फॉर्मूला तो सेम ही है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आप इजीली पुट कर लोगे. बस ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आंसर विल बी नेगेटिव एंड सब्स्टिट्यूट का आंसर विल बी पॉजिटिव. अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन. नमक में और पेट्रोल में व्हाट इज द इलास्टिसिटी? क्योंकि दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड. तो दो गुड्स एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेटेड ना हो, जैसे कि सॉल्ट एंड कार, तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी? जीरो. क्योंकि एक का दूसरे पे कोई असर होगा ही नहीं. ऐसे ही दो गुड्स अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उनका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी. ऐसा क्यों? क्योंकि बिस्लरी की एक बॉटल है, उसमें भी पानी है H2O, और एक्वाफाइना एक और कंपनी है वो भी पानी ही दे रही है H2O. 10 पैसे भी अगर बिस्लरी ने बढ़ा दिए ना तो बहुत ज़्यादा असर हो जाएगा, क्योंकि लोग सब एक्वाफाइना पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो दैट्स वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की इलास्टिसिटी कितनी होती है? इन्फिनिटी. बहुत ज़्यादा उन पे असर हो जाता है एक दूसरे का. ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा. ये लिखा हुआ है आपके पास? ऑल राइट. अब एक मुझे एग्जाम्पल दीजिए. एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिख रहा है. कॉफ़ी की क्वांटिटी है 10% चेंज, चाय की प्राइस में है 5% चेंज. अपना फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो 10/5, अपना आंसर क्या आया? 2. अब एग्जाम में पॉजिटिव भी दिया है, नेगेटिव भी दिया है, बट हमें पता है टी एंड कॉफ़ी क्या है? सब्स्टिट्यूट. एंड सब्स्टिट्यूट का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट या पॉजिटिव. दैट्स वाई ये वाला टिक करना है. ये बात कितने लोगों को क्लियर है? गुड. ऐसे ही इसकी जगह कार और पेट्रोल होता, बताओ कार एंड पेट्रोल कौन से गुड्स हैं? अगर इसमें आपको वो देते कि क्वांटिटी का चेंज है 10%, प्राइस का चेंज है 5%, तो आंसर तो तब भी 2 होता, बट इनके कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से आप क्या टिक करते? श्योर एवरीवन? ठीक है, आपको आता सब है, दैट्स वेरी नाइस. एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, ये बिल्कुल टिपिकली पॉजिटिव इन नेचर होती है, क्योंकि बिजनेस का एक सिद्धांत है कि आप 5 रुपये भी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हो ना तो वो वसूल तो हो जाते हैं. एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने से सेल कितनी बढ़ेगी, उस रिलेशनशिप को कहते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. तो जब भी कोई न्यूज़पेपर में ऐड देता है या FM पे देता है या होर्डिंग लगवाता है तो इतने लोग तो उसको देख ही लेते हैं कि आपकी उतनी सेल बढ़ जाए. तो जब 1 रुपये खर्च करने से आपकी 5 रुपये सेल हो तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. एग्जाम्पल, रिलायंस ने 1 लाख रुपये खर्च किए और डिमांड 5 लाख हो गई, सो 5 लाख और 1 लाख में जो अंतर है बस उतना ही एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी है. इसके सब डिटेल इज नॉट नीडेड. ओनली 1 थिंग यू मस्ट नो अबाउट इट, इट इज टिपिकली पॉजिटिव. वॉट इज द मीनिंग ऑफ बींग पॉजिटिव? कि अगर आप खर्चा करते हो तो आपकी सेल बढ़ती ही है, मोटा मोटी ऐसा ही होता है. ये लिखा हुआ है आपके पास? यस. एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, इसके प्रैक्टिकल्स कभी नहीं आते, सिर्फ इतना आइडिया आपके लिए इनफ है. ऑल राइट, नाउ इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कंठस्थ पता होना चाहिए. यू तो इलास्टिसिटी कितनी पड़ी है? 5. बोलो ई इज 0, परफेक्टली इन इलास्टिक. ई इज लेस देन 1, ई इज 1, ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज इन्फिनिटी. मगर रियल लाइफ में ना तो बिल्कुल 0 होता है, ना इन्फिनिटी होता है, और ना एग्जैक्टली इक्वल होता है. तो अपन 2 इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, या तो ग्रेटर देन 1 माने ज़्यादा असर, एंड लेस देन 1 कम असर. तो आप सांस ले लीजिए, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप एक बार रजिस्टर को पलट लीजिए, आपने जो फैक्टर्स पढ़ रखे हैं, ताकि आप सही जवाब दें.
जस्ट गो लुक एट इट एंड जस्ट गिव मी करेक्ट आंसर आफ्टर यू जस्ट रिवाइज फॉर अ मिनट. ओके, तो बताइए किसी चीज पे में प्राइस का डिमांड पे कम असर होगा तो ई क्या होगा और ज्यादा असर होगा तो. तो पहला एग्जांपल अपन इनकम का पढ़ते हैं. कोई रिच व्यक्ति है और सपोजिंग वो एक ग्लास दूध का पीता है 20 रुपए का और वही ग्लास दूध का हो गया है 40 रुपए का. क्या उस रिच व्यक्ति के पास जैसे ये ही नहीं पता मेरे कितने पैसे कहाँ रखे हैं कोई ऐसा खास असर होगा? तो रिच लोगों पर प्राइसेस के बढ़ने का असर कम होता है या ज़्यादा? कम. तो इलास्टिसिटी क्या होगी? लेसर. वहीं कोई गरीब परिवार है, अब उस परिवार में हस्बैंड वाइफ के साथ ये कितने 7-8 बच्चे, इतने बच्चे हैं. नाउ एक ग्लास दूध ये लोग पीते हैं लेते हैं और पिताजी को चाय देने के बाद मम्मी दूध में पानी मिला के सारे बच्चों को एक एक चम्मच दो दो चम्मच दे देती हैं. ये इंडिया की वस्तु स्थिति है, हंसने की इसमें बात नहीं है. तो ऐसी स्थिति में 20 रुपए का एक ग्लास दूध बमुश्किल वो खरीदते थे और कीमतें बढ़ गई और वो 20 की जगह 40 हो गया, क्या वो परिवार अब दूध खरीद भी पाएगा? तो मतलब गरीब लोगों पे कीमतें बढ़ने का बहुत ज़्यादा असर होता है और वो उस चीज़ का कंजम्पशन ऑलमोस्ट छोड़ ही देते हैं. तो इसलिए असर ज़्यादा होने का मतलब ई इज़ ग्रेटर देन 1. सो रिच लोगों पे का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, उन पे कम असर होता है. एंड गरीब लोगों पे इट इज़ मोर देन 1, ज़्यादा असर होता है. ओके, अब नेचर ऑफ कमोडिटी बताइए. लग्जरी इसका ई क्या? नेसेसिटी इसका ई क्या? Why necessities का elasticity is less than 1? क्योंकि price बढ़ने के बावजूद भी हम अपनी demand पे असर नहीं ले पाएंगे और सामान खरीदते रहेंगे, करें क्या, मजबूरी है. मगर luxury goods में हमें लगेगा चीज़ महंगी हो गई है छोड़ो, तो ऐसा सोचने के कारण demand क्या हो जाएगी? काफ़ी कम. Alright, then substitutes available. सपोजिंग एक छोटा सा ये एग्जाम्पल आपने मैम के साथ करा ही होगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी आता है. आप एक स्टेशनरी की दुकान पे गए, आपको खरीदना था कैलकुलेटर. आपने उनसे पूछा भैया कल अगले दिन आपका मैथ्स का पेपर था, आपका रात को कैलकुलेटर ख़राब हो गया, 2 घंटे का पेपर, आपको मालूम है बिना कैलकुलेटर के काम चल ही नहीं सकता, पे फेल हो जाएंगे. तो आपको बहुत ज़रूरत थी उसकी. तो आप दुकानदार के पास गए, उसने बोला ये कैलकुलेटर 300 का बिकता था उसने 500 का कर दिया, प्राइस उसने बढ़ा दी. अब आपने देखा आजू बाजू कोई दुकान है क्या? तो सारी दुकानें बंद हो गई थी. तो उस वक्त तो उस चीज़ का कोई सब्सिट्यूट नहीं था, तो मजबूरी में आपने 500 का खरीदा कि नहीं खरीदा. तो जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का सब्सिट्यूट या विकल्प नहीं मिलता है तो वो चीज़ महंगी भी कर दे दुकानदार तो आदमी को मजबूरी में खरीदना पड़ता है. मजबूरी का मतलब डिमांड कम नहीं हो पाई, इज लेस देन 1. क्या आपको ये बात पूरी क्लैरिटी से याद रहेगी? उसी की जगह अगर उस कैलकुलेटर में दुकानदार ने 300 का 500 किया होता और 4 दुकान बाजू में खुली होती तो बच्चा बताओ उस दुकान को छोड़ के बाजू में चला जाता कि नहीं? और जब वो बाजू में चला जाता तो पहले वाले दुकानदार की डिमांड क्या हो जाती? कम. तो ये आप दिमाग में फिट रखिएगा. ये प्रपोर्शन इन फैमिली बजट. हमारे घर में हम 10,000 रुपये किचन में खर्च करते हैं और मम्मी लाइटर से ही वो जलाती हैं गैस पर, एक माचिस की डब्बी खरीद लेती हैं जस्ट इन केस कभी लाइटर ख़राब हो जाए. 10,000 रुपये में 1 रुपये की माचिस की डिब्बी का प्रपोर्शन मात्रा क्या है? बहुत ही छोटा, बहुत ही कम. ऐसी स्थिति में वो माचिस की डब्बी 1 रुपये की जगह 4 की भी हो जाए तो भी कोई बहुत असर पड़ा क्या? तो हम फिर भी खरीदते रहेंगे ना. तो पूरे घर के बजट में जो चीज़ें बहुत छोटा सा पोर्शन होती हैं वो महंगी हो भी जाएँ तो भी से कि चलो चलने दो, तो हम पे ज़्यादा असर नहीं होता. अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अगेन वही वाला एग्जाम्पल. आपका एग्ज़ाम था, आपका कैलकुलेटर ख़राब हो गया, आपको 2 बजे सेंटर पे पहुँचना है और रीडिंग टाइम नहीं मिलता है मैथ्स के पेपर में, बाकी दोनों पेपर में रीडिंग टाइम मिलता है 15-15 मिनट, 1:45 बजे आपको पेपर मिल जाता है मैथ अकाउंट्स का और लॉ का, बट मैथ्स का 1:30 बजे मिलता है और इको का, एंड देर इज़ नो रीडिंग टाइम. नाउ आपको 2 बजे पहुंचना है पेपर हॉल में और मैथ्स का पेपर है, 12 बजे आप घर से निकले और नीचे गिर गया आपका कैलकुलेटर और उसी वक्त ख़राब हो गया, आपके पास टाइम ही नहीं है,
आप नूतन कॉलेज सेंटर पे थे, 6 नंबर मार्केट एक वहाँ कहलाता है, आप वहाँ रुके, आपके पास सोचने समझने का भी टाइम नहीं था, दुकानदार के पास पहुँचे, उसने कहा कैलकुलेटर कितने का है, उसने कहा 1000 रुपये का है। कसम से तुम बताओ क्या तुम उस वक्त कुछ सोच पाओगे, रखोगे यार लो पकड़ो यार मैं पेपर जाके दूँ, ऐसा ही होगा ना। तो अगर आदमी के पास समय कम होता है तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसको लगता है कि यार अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, उसी से वो खरीद लेता है और डिमांड पे असर ही नहीं हुआ। मगर आदमी के पास तुम्हारे 10 दिन बाद पेपर होता तो तुम एक दुकान महंगा करता तो दूसरे के पास जाते, तीसरे के पास जाते, चौथे के पास जाते, कहीं तो तुम्हें तुम्हारी रेंज का मिलता। तो तुम्हें समझ में आया कि आदमी के पास समय नहीं रहता है तो उसको औने पौने दाम पर जो जैसा मिलता है वो खरीदता है, और इसलिए प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड पे असर नहीं हुआ। और अगर समय ज़्यादा होता है तो आदमी 10 जगह पूछ के खरीदता है तो डिमांड फिर मेन वाली व्यक्ति कम हो जाती। हैबिचुअल गुड्स, ये जो मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना ये कहे, क्या है वो, ये तो गलत लग गई। सो अगर किसी को किसी की लत लग जाए, जैसे मुझे लग गई है तुम्हारी और तुम्हें लग गई है मेरी, तो ये बड़ी ख़राब चीज़ होती है। वैसे अगर ये सिगरेट की होती या किसी ऐसी चीज़ की होती, ड्रग्स की या टोबैको की, किसी स्टूडेंट को अगर सिगरेट की आदत पड़ जाए, जो ईश्वर ना करे तुम में से किसी को पड़े, और जो अगर पढ़ चुकी हो तो उसे त्याग देना इंटर में घुसने के पहले, नहीं तो ये जो धुआं है ना करियर हो जाएगा धुआं धुआं। ठीक है ना। तो मैं कह रही थी कि जब किसी स्टूडेंट को पढ़ना तो नहीं चाहिए पर लग गई उसको आदत सिगरेट की, तो अगर 100 रुपये का एक पैकेट दुकानदार उसकी को एक्सप्लॉइट करने के लिए 150 रुपये का भी बेचता है तो बच्चे को तो लत लग गई है तो वो खरीदता जाता है। तो हैबिचुअल गुड्स में हम प्राइस बढ़ने का असर नहीं होता, इज़ लेस देन 1। ऐसे ही जिनकी बहुत कम प्राइस होती है, जैसे सुई धागा नमक, ये इतने सस्ते हैं कि 50 पैसे की सुई 1 रुपये की हो भी गई तो ऐसा क्या ही असर पड़ जाएगा। तो जिनकी बहुत लो प्राइस होती है उनकी प्राइस बढ़ने पे असर कम होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों मार्क कर लीजिए लो प्राइस वाला। सब्स्टिट्यूट वाला इम्पॉर्टेंट है, लो प्राइस इम्पॉर्टेंट है, लग्जरी और नेसेसिटी, ये 4 तो आपको रटी हुई होनी चाहिए सिचुएशन। बताइए पेट्रोल की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? लेस देन 1, इट इज़ अ नेसेसिटी। आज भी गाड़ियों में पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट मिला नहीं है मेजरली टू व्हीलर्स में, तो आदमी महंगे होने पर भी खरीदता जा रहा है, तो इट इज़ अ नेसेसिटी। ओके, नाउ जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्क्रीन पे बोलते हैं, देखते हैं आंसर, स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन, सब लोग सॉल्व करेंगे खुद। पोटैटोज हैव 0.4, वो भी माइनस में, इनकम इलास्टिसिटी। अब जब आपने देखा इनकम इलास्टिसिटी है और माइनस में आंसर है और आपसे वो पूछ रहे हैं वो इन्फीरियर हैं सुपीरियर हैं नेसेसिटी हैं क्या हैं, इन्फीरियर। माइनस का मतलब है आप जितना पहले खरीद रहे थे उससे कम खरीद रहे हो, तो ऐसा किस में होता है? क्लियर है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लें आराम से। इस क्वेश्चन में पोटैटोज पे कोई आंसर नहीं देखना है, माइनस में लिखी है इलास्टिसिटी और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मैंने आपको इन्फीरियर की ही बताई थी कि इनकम बढ़ते से ही आदमी कुछ इन्फीरियर गुड्स को लीव कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, 2 and 3। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ टमेटोज इज 0.25। एक तो प्लस और माइनस में कौन सा है? पॉजिटिव। इट मींस टमेटोज आर इन्फीरियर? नो, क्योंकि इन्फीरियर होता तो क्या होता? नेगेटिव। दे आर लग्जरी? नो, क्योंकि लग्जरी का आंसर होता इज ग्रेटर देन 1। नॉर्मल गुड्स, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव में इक्वल और लेस देन 1 दोनों हो सकता है, इसलिए आंसर इज सी। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 4, 3। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट? सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर यूज नहीं होता, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसलिए आंसर विल बी नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड DVD, ब्रेड इज ईटेबल, DVD इज अ नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक गुड, नो लिंकेज, तो आंसर इज 0। 4th, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड, अब एग्जाम में अपने को RYE समझ में नहीं आया कौन सा क्या पूछ रहा है, बट पेशेंस रखना और आगे बढ़ना। होल व्हीट ब्रेड
और राई ब्रेड दो बहुत अलग अलग टाइप के धान हैं इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव जीरो नेगेटिव कांट से. आपको बस देखना है तो दोनों ब्रेड ना, और ब्रेड क्या होता है सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में एक और दूसरे में पॉजिटिव रिलेशन होता है डायरेक्ट. ओके, इफ अ प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 30,010 रुपीज, क्या ये छोटा चेंज है या बहुत बड़ा? तो जब दो पॉइंट्स में चेंज होता है बड़ा इट इज आर्क, और एक पे ही बहुत छोटा सा चेंज हो इट इज पॉइंट. तो इसलिए कौन सा मेथड यूज होगा? पॉइंट इलास्टिसिटी. क्वेश्चन नंबर 6, जब इनकम बढ़ती है मनी स्पेंट ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ हो सकता है ना बढ़े, मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन. बोलो हाँ या ना. क्योंकि हम रोटी का एग्जाम्पल याद रखना कि तुम्हारी 1,000 रुपये से 1,00,000 पर मंथ इनकम हो गई, बट 400 से 400 नहीं होगी रोटी, सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी. तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ 0 है, 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1, लेस देन 1, क्योंकि हम पे कोई खास असर नहीं हुआ. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटिटी परचेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब नो असर इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम. इनकम के बढ़ने पर भी आदमी की क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब जीरो इनकम इलास्टिसिटी. लेस मतलब कम असर, मोर मतलब ज़्यादा असर, जीरो मतलब नो असर. तो जब पहले जितने 10 यूनिट खरीद रहा था आदमी, अभी भी 10 यूनिट खरीद रहा है आदमी, तो इसका मतलब उस पर कोई असर नहीं हुआ, जीरो. Which of the following, चलो ये तो इंडिफरेंस का होगा. 9th पॉइंट, पॉइंट इलास्टिसिटी किसके लिए यूजफुल है? सिंगल पॉइंट. अब इन तीनों आंसर्स में पहले में लिखा है बुक स्टोर डबल कर रहा है, डबल माने बड़ा चेंज. रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग प्राइस बाय 50%, हाफ चेंज, बड़ा चेंज. ऑटो प्रोड्यूसर सोच रहा है कस्टमर का प्राइस पे असर देके 100 रुपये कम करके. 1,00,000 रुपये या 2,00,000 रुपये के ऑटो में 100 रुपये कहाँ घुस जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, बहुत ही कम असर है. तो पॉइंट इलास्टिसिटी, ऐसा सोच के आंसर तुम्हें देना है दिस क्वेश्चन. डिक्रीज इन प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू कब बढ़ेगा? पहले आप सोच के बताइए. प्राइस कम हो गई, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है. अगर इलास्टिसिटी हाई रहेगी तो प्राइस कम करने से कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि नहीं, तभी तो रेवेन्यू टोटल बढ़ेगा. तो प्राइस के कम करने से रेवेन्यू सिर्फ तब बढ़ेगा जब डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा असर हो जाए और इज ग्रेटर देन 1. ये दुकानदार ऐसी जगह होता जहाँ पे प्राइस पे कोई असर, डिमांड पे कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो 10 रुपये का पेन बेच रहा था तो भी 100 बिक रहे थे, वो 9 रुपये का बेच रहा है तो भी 100 बिक रहे हैं, तो उल्टा मर गया, प्राइस कम करके फंस गया क्योंकि डिमांड तो बढ़ी नहीं. तो फायदा कब होगा? जब हाईली इलास्टिक डिमांड होगी, कि प्राइस कम जरूर की बट 50 कस्टमर और बढ़ गए तो बात फायदे में ही रही. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, ये वाला स्क्रीन पे देखिए और आप इसको लिखा हुआ हो तो भी नोट कीजिए. प्राइस के बढ़ने पे डिमांड अगर इलास्टिक होगी तो टोटल रेवेन्यू कमाई बढ़ेगी क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी. प्राइस के बढ़ने पर यूनिट इलास्टिक रहेगी तो रेवेन्यू उतना का उतना ही रहेगा क्योंकि क्वांटिटी विल इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन. बट अगर इनइलास्टिक रहेगी तो आप मर जाओगे, मतलब नुकसान तो ही आपका बस फायदा होगा, क्यों इधर मर जाओगे आप इलास्टिक में. पहले आप इसको लिख लो फिर अपन डिस्कस करते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी और टोटल रेवेन्यू मतलब सेल्स में क्या रिश्ता है? अगर प्राइस इंक्रीज होगी और डिमांड हाईली इलास्टिक है तो आपका उल्टा रेवेन्यू घट जाएगा. इसका हिंदी में मतलब क्या है? एक दुकानदार ने प्राइस बढ़ाई, प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई,
तो वो उल्टा नुकसान में आ गया और उसका रेवेन्यू घट गया। अगर डिमांड इनइलास्टिक होती, मतलब पहले दुकानदार 10 रुपए का सामान बेच रहा था और उसके 10 आइटम बिक रहे थे, क्वांटिटी वॉज 10, तो वो 100 रुपए कमा रहा था। अब उसने क्या किया, प्राइस बढ़ा के कर दी 12, बट उसकी चीज़ इतनी अच्छी थी कि कस्टमर 10 के 10 ही खरीदता रहा या एक आध कम भी खरीदा, तब जाके उसका रेवेन्यू बढ़ा। तो इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है, डिसीजन मेकिंग में यही काम आता है। प्राइस के बढ़ने से यदि आपकी क्वालिटी इतनी दमदार है कि क्वांटिटी उतनी की उतनी रही, तो आप फायदे में रहोगे, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई तो आप मर जाओगे। तो इलास्टिसिटी से आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो करना तो पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 29 या 30 कुछ है जो इसके ऊपर फोकस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11, जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज वेरी हाई, मतलब जैसे कि मैंने बिस्लरी और एक्वाफाइना का एग्जांपल दिया था कि एक का दूसरे पे बहुत ज़्यादा असर अगर होता है, तो इसका मतलब वेरी हाई का मतलब देर इज हाई डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी बिटवीन देम। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये 8-10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारे पास स्लाइड है इसकी, तो ये इसको कर लेना इम्पॉर्टेंटली। ये वाला भी वही क्वेश्चन है 10th जो मैं अभी बोल रही थी, प्राइस के कम करने से रेवेन्यू कब बढ़ेगा। तो 10th एंड 11th आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये 12, 13, 14, 15 बेटा तुम्हारे पास स्लाइड है ग्रुप में? हाँ ठीक है, तो मैं ये वाली स्लाइड तुम्हें दूंगी, इसको तुम एक बार खुद ट्राई करना, और ये वाली स्लाइड तो ज़रूर ही दिमाग लगा के कि तुम एग्ज़ाम में इसको कर पा रहे हो कि नहीं। इसका जिस्ट इतना सा है बस कि कोई भी दुकानदार प्राइस बढ़ाता है अगर उसके गुड्स अच्छे हैं या नेसेसिटी है, और अगर उसकी इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, तो लोग फिर भी उतना सामान खरीदते रहेंगे और तब उसको फ़ायदा होगा। ये इसका जिस्ट है इस बात का, और नहीं तो उसके गुड्स इतने अच्छे नहीं हैं या यूज़फुल नहीं हैं तो उल्टा नुकसान हो जाएगा उसको। ओके बस दैट्स इट। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।